खामोशी के साथ जहाँ जगह मिल रही है बैठ जाए माशाल्लाह बड़ा जिम्मेदार स्टेज है ये जहाँ मेरे बुजुर्ग मेरे सरपरस्त मेरे करम फर्मा अहल सुन्नत जलवा फरोज है जितने भी सुन्नत यहाँ मस्ंद रसूल पर जलवा फरोज़ है बालाम नाम नाम तो सबको नहीं जानता मैं अल्लाह इज़्ज़त की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ उलमा की रौनकें ये बरकतें हम पर कायम दायम रखे इनका साया करम इनके फ्यूज़ की बरकत बरकतें और उसकी बरक़ात हम तमाम अहले सुन्नत को मैसर आती रहे बिस्मिल्लाहिर शैतरम रहीम अल्हम्दुलिल्लाह

صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم ونشهد الله إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد الفتنة أشد من القتل.

सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है सोने वाले जागत रहियो यकीनन यकीन अला के शेर की तर्जमानी करते हुए ऐसा करता हूँ ये कौम सोई भी है लेकिन मुर्दा नहीं है अला जानते जानते कि जब तक इश्क महबूब सीने में ज़िंदा है कौम मुर्दा नहीं है सो रही है सिर्फ़ ज़िंदा है जगा रहे हैं अरे मेरी कौम तुम मुर्दा नहीं है मुर्दा तो वो है जो नबी को मुर्दा मानते हैं तुम तो जिंदा नबी के मानने वाले हो तो तुम जिंदा हो सिर्फ गफलत की नींद सो रहे हो उठो बेदार हो जाओ देखो सूना जंगल है रात अंधेरी है छाई बदली काली है सोने वाले जागत रहियो, चोरों की रखवाली है तू जो समझ रहा है कि तू सो गया दीन के महाफिज तो हैं दीन को संभाल लेंगे ये दीन के महाफिज नहीं ये तो डाकू है दीन के ये चोर हैं तो सोने वाले जागत रहियो चोरों की रखवाली है और चोर भी कैसे हैं मामूली चोर नहीं है छोटे मोटे बंबई के जेब कतरे नहीं हैं कि इसका जेब काट लिया उसका जेब काट लिया बहुत खतरनाक चोर है चोर भी ऐसे कि आँख से काजल साफ चुरा ले आँख कितनी सेंसिटिव होती है हल किसी हवा का छोका भी आ जाए तो आँख हवा आए हल्का सा एक गर्द गुबार आ जाए तो आँख फड़फड़ाने लगती है एक मामूली सा जर्रा भी कंकर का आँख में चला जाए आदमी बेचैन हो जाता है इतनी हसास होती है आँख इतनी सेंसिटिव होती है आँख आलात कहते हैं कि ये ऐसे भला के चोर है कि तेरी आंख से काजल भी चुरा लेंगे और तुझे पता भी नहीं चलेगा आंख से काजल साफ चुरा ले चोर वो ये भला के हैं तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है तेरे ईमान की गठरी पे निगाह है कि तू कहाँ थोड़ा सा गाफिल हो और तेरे ईमान को ऐसे चुरा ले जैसे आँख से काजल चुराया जाता है अला हजरत ने जो खबरदार किया इस कौम को अपने नबी की सुन्नत को अदा किया अपने आका की सुन्नत को अदा किया क्योंकि आका ने भी अपनी उम्मत को बारह फितनों से आगाह किया बारहाँ बताया मेरी उम्मत के मानने वालों ए मेरी उम्मतियों ए मेरे मानने वालों ए अल्लाह के जानने वालों अल्लाह को वादउला शरीक समझने वालों जान लो जरूर फितने होने वाले हैं बड़े बड़े फितने वक़ू में आएंगे तो मैं होशियार रहना है बुखारी शरीफ की हदीस है तमहीद को अब ज्यादा लंबे करने का वक्त नहीं है वक्त बहुत हो गया है बुखारी शरीफ की हदीस है कि अल्लाह के नबी अपने हजर अकदस से बाहर तशरीफ लाए साहब इक्राम कहते कि हमने देखा कि रसोल्ला के जुल्फ मुबारक से पानी के कतरा टपक रहे थे आपका लिबास तरबतर तर था भीगा हुआ था असहाब रसूल कहते हैं, हमने अर्ज किया यार रसूल्ला क्या आपने गुस्सल फरमाया है इर्शाद फरमाया नहीं ये पसीने के कतराथ है ये लिबा जो तुम तरबतर देख रहे हो ये पसीने के सबब से हैं अल्लाह के नबी किस चीज़ से आप परेशान हो गए इरशाद फरमाया लोगो मुझे मेरी उम्मत पर जो होने वाले फितने हैं वो फितने दिखाए गए मेरे रब ने वो फितनों को दिखाया और मैंने फितनों को अपनी उम्मत पर ऐसे गिरते हुए और बरसते हुए देखा जैसे बारिश के पानी गिरता है इतनी कसरत के साथ फितने और फिर एक दूसरा मकाम आया अल्लाह के रसूल जब अपनी उम्मत से विदा ले रहे हैं अब वक्त वो है कि सरकार तो की हयात जाहिरी कुछ अरसा बाकी है अब सरकार को अपने रब से मुलाकात के लिए जाना है बज़ाहिर तशरीफ़ फरमा है अरशाद फरमाते लोगो मैं तुम्हें आगाह ना करूँ मशहूर हदीस बारह से सुनी तो जा तिरमीज़ी में इमाम तिरमीज़ी ने जिल नंबर दो के अंदर हवाला भी नोट कर लें तरमीज़ी में और अबू दाऊद ने भी लिखा है इबिन माजा ने भी लिखा नसाई ने भी लिखा लेकिन मैं भी तरमीज़ी का हवाला दे रहा हूँ जाम तिरमीजी जल नंबर दो किताब इईमान बाव इतराक़ी हाजिल उम्मत यानी इस उम्मत में इतराक का वाक़ होना इंतशार का और फितनों का वाक़ होना ये बाप के तहत हदीस नंबर पाँच सौ अड़तीस इमाम तिरमिज़ी लाते हैं और हज़रत अब्दुल्ला अबन उमर इस हदीस के रावी कहते हैं बड़ी तवील हदीस है उसका आखिरी हिस्सा मैं सुना रहा हूँ कि अनिबन उमर रदी अल्लाह तु कहते हैं कि अब्दुल्ला इब्न आमर से रिवायत तो मरवी है काला काला रसूल सल्हस के अल्लाह के नबी अल्ला के रसूल नेर्साद फरमाया बनी इसराइला तफ़र तय वयना ऐ लोगो बनी इसराइल मूसा की कौम मूसा सलाम की कौम जो थी बनी इसराइल आपस में इख्तलाफ हुआ इनके दरमियान और तफ कत ये बटे बिखर गए और कितने गुरो हो गए अल्लाह के नबी ने फरमाया ये बहत्तर गुरो में बटे बहत्तर टुकड़ों में तकसीम हो गई आपस में लड़कर करो इख्तलाफ करके लेकिन जान लो मेरी उम्मत का क्या हाल होगा व तफ तरे अला सलासीन वह सब आयीन मिलता लेकिन मेरी उम्मत तिरहत्तर फिरको में बटेंगी मेरी उम्मत तिरहत्तर हिस्सों में तकसीम हो जाएंगी इकतलाब के सबाब कुल्लुगे सब सब वाहिदा, वाहिदा। सिवाय एक जमत के मन ही अया रसोल्लाफा के, के साहबा ने पूछा अल्लाह के नबी जन्नति जमात की निशानी तो बता दीजिए अल्लाह के नबी जब इतना बताया है आपने तब जन्नती जमात की भी तो पहचान बताइए तो अल्लाह के नबी ने यह नहीं फरमाया जन्नती जमात की पहचान जो कहेंगी मैं अहले हदीस हूँ जमत जन्नती जमात की पहचान जो कहेंगी कि मैं देवबंदी हूँ मैं तशी हूँ नहीं जन्नती जमात की निशानी क्या पूछा गया जन्नती जमात की निशानी कालू मन ही रसुल्ल काला माँ अलही व असहाबी जो मेरे और मेरे सहाबा के अक़ीदे पर होगा अब यहां एक सवाल पैदा होता है अकीदे रसूल तो नजात के लिए काफी अकीदे सा की क्या जरूरत है सरकार ने सिर्फ इस पर इक्तफा नहीं किया इसी पे अपने कलाम को खत्म नहीं फरमाया कहना तो यह चाहिए था फरमाते कि माना ले जिस पर मैं हूं फरमा नहीं मा व असहाबी वह अकीदे पर मैं और मेरे सहाबा सा को भी शामिल किया क्यों बताया इसीलिए कि सहाबा से तुम क्या अकीदा लोगे सारे अक़ायद तो मैंने तुम्हें दे दिए हैं अल्लाह की उलोहीत मैंने बताई है अल्लाह की मार्फत मैंने बताई है अल्लाह की पहचान मैंने बताई है अल्लाह की सिफात मैंने बताई है अल्लाह की ज़ात से मैंने वाकिफ़ कराया है सारे अकायद मैंने दिए नमाज आमाल में तुम्हें मैंने दी रोज़ा मैंने दिया हज मैंने दिया साहबा से लेना क्या है साहबा से तुम्हें ईमान लेना है और ईमान क्या है इमाम बुखारी ने बताया ईमान क्या है अल्लाह के नबी रिवाया फरमाते अनस इब्ने मालिक कहते हैं कि अल्लाह के रसुलर शाफ से के तमाम लोगों से रसूल से ना करे मोमिन नहीं हो सकता तो मोहब्बत रसूल कैसे की जाएगी और मोहब्बत रसूल ईमान है अकीदे की जान है तो तुम्हें लेना कहां से, ये सहाबा से लेना है सहाबा कि मोहब्बत रसूल की कैसे जाती है तो फरमाया कि मेरे साहबा भी अकीदे पर जो होंगे जो साहबा का अकीदा अब हमें देखना है साहबा का अकीदा क्या है वो रसुल्ला को गैबदा मानते थे क्या नहीं मानते थे रसूल को हाजिर और नाजिर समझते थे क्या नहीं थे क्या वो रसूल को अफजल जानते थे क्या नहीं जानते थे तो इसी हदीस में पता चल जाता है कि साहबा इकराम रसुल्ला को गैबदा जानते थे इसलिए कि हदीस पूरी आप खंगाल डालिए जितने महफसरीन महदसिन हर रिवायत के नकल करने वाले हैं जितने तुरुक से यह हदीस आई हर तुरुक को हर तसनद को देख ले किसी सनद में किसी हदीस के मतन में आपको ये नहीं मिलेगा कि किसी ने साहबी ने पूछा हो अल्लाह के नबी आप बनी सराइल की खबर दे रहे जो गुजर गई नबी तो ला इ होता है आपको कैसे मालूम कि बनी इसराइल बहात्तर में बटे अल्लाह के जी भी आप कह रहे तिरहत्तर फिरकों में आपकी उम्मत बटेंगी ये गैब की दलील है गैब की दलील है आपको गैब कहाँ से मालूम कि तिरहत्तर फिरके होंगे एक जन्नत में जाएंगा ये आपको कहाँ से मालूम अरे आप तो गैब की बात कर रहे हैं और ग़ैब का जानने वाला तो सिवाय अल्लाह के कोई नहीं है अल्लाह तो अपना गैब किसी को अता करता ही नहीं है देता ही नहीं है अल्लाह आपको कैसे उसने गैब दे दिया किसी साहबा ने यह अकीदा नहीं जाहिर किया किसी साहबा ने इतराज़ नहीं किया बल्कि क्या कहा अल्लाह के नबी हमको यकीन है आप कह रहे हैं बहत्तर फिरकों में बटी हमें मालूम है कि आप माजी की भी खबर जानते हैं आप कह रहे हैं तिहत्तर में बटेंगी हम जानते हैं कि आप मुस्तबिल की भी खबर जानते हैं और हम जानते हैं इसलिए तो पूछ रहे हैं कि आप जन्नति की भी पहचान बता दीजिए क्योंकि हम पूछेंगे तो आप ये नहीं कहेंगे लादरी मैं नहीं जानता ऐसा हुआ ही नहीं है कि महबूब से पूछा गया और नबी ने कहा मैं नहीं जानता तो नबी ने कहा कि हाँ हाँ अब मैं बताता हूँ निशानी क्या है तो साहबा का पूछना इस बात की दलील थी कि वो रसुल्ला को गैबदा जानते थे और फिर रसुल्ला ने क्या कहा तिहत्तर में से कितने बहत्तर जहन्नम में एक जन्नत में बहत्तर जहन्नम में

जाएंगे तो हमें मालूम है कि आपने कहा तो ये पत्थर की लकीर है और अब यहां से मालूम हो गया साहबा का खामोश होना और उन पर एतराज ना करना इस बात की दलील बन गया कि नबी जब बहत्तर को जहन्नमी कहने में नहीं हिचका है तो अहले सुन्नत भी गुस्ताख के रसूल जिसको पाते हैं तो जहन्नमी और काफिर कहने में हरगिज नहीं हिचकाते डंके की छोड़ पर बोलते फुला काफिर हो गया ये तुम्हारा मजहब है तुम कहते काफिर को भी न काफिर कहो इसको काफिर ना कहो हमारे पास अथॉरिटी नहीं है तुम्हारे पास अथॉरिटी इसलिए नहीं है कि तुम्हारे पास रसूल नहीं है और हमारे पास रसूल है इसलिए अथॉरिटी है हम अपनी अथॉरिटी पे बोलते हैं नबी आपने बहत्तर को कहा पहचान बताइए उस पहचान की कसौटी पे हम परखते जाएंगे अब उस कसौटी पे जो जो नहीं उतरता जाएगा हम जहन्नमी कहते जाएंगे फुला जहन्नमी फुला जहन्नमी फुला जहन्नमी सब जहन्नम में कौन हक पर अहले सुन्नत वाल जमा और उसी को कहते हैं मसलके आला हजरत अल्लामा ने हुक्म दिया था मौजू नहीं है ला रहा हूं मौजू नहीं था मसलके आला हजरत क्या है मैंने कहा मसलके आला तुम्हारी मौत है सुन्नियों की जान तुम्हारी मौत मसलके के आला पांचवा कहां से आया मैंने कहा भाई वो मसलक नहीं है वो मजहब है तो मैं तो पहले असलाह नहीं मालूम बात करने आती हो और असलाह ही नहीं मालूम होती इमाम आजम मसलक नहीं है मजहब है दीन इस्लाम है इन नीना इन द्लास््लाम अल्लाह के नजदीक दीन इस्लाम इमाम आजम का मजहब इमाम शाफई का मजहब इमाम अहमद इबन हम्बल का मजहब हजरत इमाम मालिक का मजहब चार मजहब है मसलक मतदेद है गौ से आजम का भी एक मसलक है गरीब नवाज का भी मसलक है मसलक क्या मसलक के मायने होते रास्ता वे अब इस जमाने में मसल या हजत क्यों जैसे जैसे फितने आए पहचान बदलती गई जब हजरत अली का जमाना था साहब कर कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने हमें एक कसौटी दी थी सरकार ने एक पहचान दी थी कहा लोगों कैसे जानोगे मुनाफिक को यार सोल्ला आप बताएंगे सरकार ने बताया ये मुनाफिक ये मुनाफिक साहब ने जान लिया अल्लाह के नबी आपके बाद हम कैसे जाने कौन मुना फरमाया पैमाना दे रहा हूं एक थर्मामीटर दे रहा हूं और वो थर्मामीटर ये जानना है कौन मुनाफिक जिसके दिल में मोहब्बत अली बा समझ लो मुसलमान जिसके दिल में बुग्जे अली समझ लो मुनाफिक ईमान जिसके दिल में हो वहां बुग्जे अली आ नहीं सकता और जहां बुग्जे अली हो वहां ईमान दाखिल हो नहीं सकता अब दलील बनी अली मौला कायनात साहबा कहते हैं कि जब हम बैठे होते अब हमें कोई आ जाता हमें डाउट होता कौन है पता नहीं डाउटफुल आदमी है हरकतें बता रही है कि इस्लाम से नहीं कैसे पहचानना कुछ हरकतें शुभात में डालने वाली है तो साहबा कहते हम अली शुरू कर देते अली के फजाइल बयान करते और चेहरे पे खुशी जाहिर होती समझ लेते मोमिन है और चेहरे पे नगवारी आ जाती समझ लेते मुनाफिक है कसौटी बदलते रही दौर बदला अली पहचान हुए अली के बाद इम पहचान हुए इमाम आजम का जमाना वो आया नेचरियत अपने उरूज पर थी जो है राहदियत अपने उरूज पर थी इमाम अबू हनीफा की मोहब्बत पहचान बनी अकायद में जब खराबी आई मुजसमिया आए जिसम के कायल फिरके वाले आए इमाम अबुल हसन शरीर त पहचान बने इमाम मातोरेदी पहचान बने गौ से आजम पहचान बने गरीब नवाज पहचान बने पहचान बदलती रही अब इस जमाने में ऐसे आए जो गौस पाक का भी नाम ले रहे हैं गरीब नवाज के मानने का भी दावा कर रहे हैं इमाम आजम का भी नाम ले रहे हैं पहचाने कैसे दावे तो बड़े बड़े हैं पहचान आला हजरत को बनाया गया अब हालत का जिक्र करो चेहरे पे खुशी है अपना है चेहरे पे नागवारी समझ लो पक्का मुनाफा इस पर एक तहकी की तकरीर की जरूरत है कि मैं बताऊं कि उलमाए देवबन और उल्मा गैर मुखी ने खुद लफ्ज मसल का अपने मुल्लाओं के लिए कहां कहां इस्तेमाल किया है अशभ अली थानवी ने इस्तेमाल किया इफादतुल्योमिया में अपनी बीवी को एक खत लिखा बस बता दे रहा हूं मोहतरमा नमाज की पाबंदी रखो यह करो यह करो मेरे मसल पर पाबंदी से कायम रहो थानवी साहब का मसलक तो आला का मसलक तो क्यों चीड़ चीड़ इसलिए है कि पैसे का कैसे का ऐसे कि जहन्नम और आग का साफ देना अल्लाह की शान है अगर अली खुदा ना होता तो आग का साफ क्यों देता जल कर खत्म हो गए दूसरा फिर का आया खारजी आज कुछ अनासिर पाए जाते हैं कुछ कुछ जितने फिरकों के थोड़े थोड़े अनासिर थे सारे कुल मिला गैर मुकलिदीन में जमा हो गए अब देखते जाए कैसे अनासिर आते हैं कैसे कैसे सब थोड़े 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 थोड़े, थोड़े इस कुछ इस फिरके का कुछ पार्टीशन लिया कुछ इस फिरके का लिया सारे पार्ट मिलाकर एक फिरका वजूद में आ गया गे गैर गे मुकल था हदीस अब खारजी फ़िरके का कॉल क्या था खारजी फिरके ने माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह सबसे पहला बड़ा जुर्म किया कि हजरत अली के खिलाफ बगावत की और अली को काफ़ी डिक्लेयर कर दिया नुशैरी तो इतने मुबाल किए कि खुदा बना दिया और ये इतने तोहिन पर आए इतने तजलील पर आए कि अली को इन्होंने काफिर कह दिया और कुरान की दलील लाई कहा कि कुरान में अल्लाह ने फरमाया ला, ला नहीं है किसी का हुक्म सिवाय अल्लाह के और अली ने अमीर माविया से जो मसालियत की उसमें हकम जो है अब को बनाया लिहाजा अली ने कुफ्र किया यहाँ से यह नासिर गैर मुखीन में भी आया इन्होंने भी कहा तकली है तकलीरक है हक़म बनाना है। वक्त नहीं है वरना रहमान की वो दलील भी सुना था यही आया फिर का हुआ फिर यह मोहब्बत इतना गुलू किया इतना गुलू किया उसूल काफी शिया फिर का रावदी कहते हैं रावदी के मायने निकल जाने वाले जमात से हट जाने वाले रबती फिरके की सबसे बेसिक किताब जो कुरान के बाद सबसे मतबर मानते हो लोग वो है वह काफ़ी चार जिल्दों में आती है ओसूल काफ़ी में दो तीन जगह बल्कि कई जगह लिखा हुआ है कि रसोल्ला का विशाल हुआ और रसोल्ला के विशाल के फौरन बाद सिर्फ छः सहाबा थे जो ईमान पर है बाकी सब मर्तद हो गए माजल यानि अली की मोहब्बत में इतने डूबे कि बाकी सारे सहाबा को ईमान से ही खारिज कर दिया और जरत उमर अबू बकर के बारे में तो साफ कहा कि ये पक्के छटे हुए मुनाफिक थे अल्लाह के रसूल के कत्ल करने में ये ताक में रहते थे मौका नहीं मिला इनको कभी का, अली का उसके बाद रावती में फिर आपस में इख्तलाफ हुए कितने हिस्सों में बटे बत्तीस हिस्सों में बट गए लोग तफसील बताने का मौका नहीं है अगर तफसी दिलचस्पी हो तो गुनयत जो गौस पाक की किताब है उसको पढ़िए बत्तीस फिरकों के नाम और उनके अकायद सब तफसी थे गौसे आजम ने नकल कर दी है बत्तीस फिरकों में बटेगी और अभी जो फ़िलहाल दुनिया में जो पाए जाते हैं शिया फ़िरकों में से आपस में लड़ लड़ के बहुत सारे ख़त्म हुए मशहूर तीन या चार फिरके अभी इनके बच के रह गए जिसमें एक इस्माइली है एक दाऊदी है असनाया श्री है और एक जैदी है चार फिरके और इनमें सबसे बड़ा फ़िरका श्री है जो अभी बाकी है ये बारह इमामों को मानता है इमाम मेहदी तक इसके बाद फ़िरका कदेरिया जब जबरिया तबसीली जहमिया मुजस्म ये बहुत सारे मुताद क्या आए इनके अजीब अजीब अकीदे रहे किसी ने तकदीर का इनकार किया कहा कि इंसान तकदीर अब तिर कुछ नहीं है इंसान जो चाहे कर सकता है किसी ने कहा कि नहीं इंसान तकदीर से ही बंधा हुआ है कुछ नहीं कर सकता मजबूर है अलग अलग किस्म के आए और एक फ़िरका इसमें बड़ा बदतरीन आया जिसका बानी था जात बिंदुरम उसने कहा कि अल्लाह जिसम भी रखता है अल्लाह हाथ भी रखता है अल्लाह पैर भी है उसका चेहरा भी है उसकी आँख भी है उसके होठ है सारा इंसान की तरह अल्लाह है और वो अर्श के ऊपर बैठा हुआ है माज़्द माज़्द लेकिन ये फ़िरका भी सुन्नत के सामने टिक नहीं पाया उस ज़माने के हमारे बुज़ुर्ग उलमा ने शिद्दत के साथ रद्द किया दलाइलों से रद्द किया गया और न सिर्फ दलायल मनाजरों में इनका जवाब दिया गया नतीजा यह हुआ धीरे धीरे ये फ़िरका ख़त्म हो गया लेकिन 661 हिजरी में सरकार के विसाले जाहिरी के 600 साल बाद साढ़े छः सौ साल के बाद एक शख्स पैदा होता है शाम के अंदर छः सौ इकसठ डिग्री में जिसका नाम था अहमद बिन अब्दुल हलीम इब्ने ने ये पहला बदबाख शख्स है जिसने फ़िरक़ मुजस्म की तज़दीद की इस फिरके को अक्सर अक्सर नौज ज़िंदा किया और इसने अकीदा गढ़ा कि अल्लाह जिस्म रखता है हाथ है पैर है कान है मुंह है सब है जैसा जैसा कुरान में बयान किया अल्लाह ने फरमाया वजह अल्लाह का चेहरा है तो हम चेहरा मानते हम तश्वी बयान नहीं करेंगे हम तातील नहीं करेंगे हम तावील नहीं करेंगे अल्लाह ने कहा उसका यद है हाथ है हम हाथ मानते हैं अल्लाह ने कहा कि साहब वो अल अर्श वह अर्श पर इस्तवा के मायने मैंने उसने लिया बैठना तो कहा वो बैठा है तो बैठा है हम बैठना तस्लीम करते हैं जैसा आया है एज इट इज़ लेंगे उसमें हम तावील की तरफ नहीं जाएंगे हम मुतबहत इस तरफ नहीं जाएंगे अल्लाह का जिस्म भी है अर्श पर बैठता नतीजा क्या हुआ इमाम ताजुलद्दीन सुबकी उस ज़माने के इमाम मनाजरे का चैलेंज हुआ दरबार में मुनाजरा हुआ मुँह खाई इसने और उसकी एक जो अदा है मैं सुन्नत नहीं कहूँगा लफ सुन्नत की तोहिन हो जाएंगी उसकी एक अदा उसके मानने वाले गैर मुखलिदों में बराबर आई वो आप मनाजरा पढ़ेंगे ना किताबों में मौजूद है ताजुलद्दीन सुबकी अल रहमा का उस उसमें सुबकी जब उसकी दलील काटते तो दूसरी बात करता हो फिर उसका जवाब देते तो तीसरी बात करता हूँ फिर जवाब आप चौथी बात करता है तो आप झुंझला के फरमाते उस मनाद में तो फुथकती हुई चिड़िया की तरह जो एक टंगाल से एक शाख से दूसरी शाख पे भुथक के जाती है तरह ठिकाना नहीं है वही आज इनका हाल है आपसे जब भी गुफ्तु करेंगे कहेंगे मिला जायज है हाँ मिला जायज़ है ये दलील है अब आप दलील ही दे रहे हैं अच्छा तो छोड़िए ये बताइए वो उर्स मना सकते हाँ भाई उर्स की दलील सुनो उर्स मना सकते ये दलील नहीं वो जो तुम्हारे मजार पर जो चादर चढ़ाते उसका क्या अरे भाई वो चादर चढ़ाने का ये मामला ये नहीं नहीं ये बताओ आप जो कब्रों से मांगते बुजुर्गों से मांगते ये क्या अरे एक जगह तो टिकले भाई क्यों फुदा करा है पहले एक मसला तो क्लियर कर इब्ने तैमिया मनाजरों में हारा उलमा की मुँह की खाए ज़माने की किताबें पढ़े पढ़ते कुछ नहीं है ये लोग जेल में गया पहली बार जेल में गया जेल में फिर तौबा की बाहर आया दूसरी बार फिर वो यकीदा जाहिर किया फिर जेल गया फिर तौबा की फिर निकाला गया फिर जेल गया तीन बार जेल गया चौथी बार जब गया तो पगला हो गया हमारे सलीम भाई बार बार बोलते रहे ये बताना क्यों छोड़ देते हो अलविदाया व निहाया में इबिया का शागिद इब्न कसीर उसने खुद लिखा कि दिमाग खत्म हो गया पागल हो गया उस पागलपन में दमिश्क की जेल में मरा और फिर इबन तौद चौदहवीं अलविदा व नहाय की चौदहवीं ज़िल्द मेरे पास मौजूद है उसमें इबन कसीर ने बाकायदा लिखा कि जब उसकी लाश को निकाला गया तो उसके बेवकूफ यही गैर मुखली जो आज हमें बताते ये बिदत यह बिदत यह बिदत अब अपने घर की खबर लो अपने घर की किताब पढ़ो इब्ने इबने अलिदाया बनने आया जिल नंबर चौदह इबने तहमिया की मौत के हालात में कहता है कि अबिया को गुस्ल दिया गया उसका जो पानी निकला जिसम से उसको पिया गया बतौर बत हवाला दिखाने की मैं जिम्मेदारी दे रहा हूँ नाजरे का चैलेंज करो आऊंगा और फिर भी अलविदाया दिखाऊ उसके गुसल का पानी पिया औरतें आती थी कुरान खानी करती थी उसके गले में जू से बचने के लिए जेल में सरों में जुए हो गई थी उसके पागल के जुए से बचने के लिए पारे का एक उसने तागा बनाया था पारा होता है ना थर्मामीटर में भी होता है उसका पारे का उससे जू नहीं होती वो कई स, कई सौ कई हजार दिरहम में नीलाम हुआ hmm. उसके कफन के लोग टुकड़े ले गए तब्रु बनाकर और उसकी कब्र पर सात दिन मुसलसल आके कुरान खानियाँ होती रही और फातिया होती रही तो अपने घर की तो खबर लो तो बहरहाल इब्ने तयमिया ये शख्स था जिसने फिर मुजस्मिया की तजदीद की और यही नहीं उसने चंद बड़े अजीब गरीब अकीदे गढ़े इससे पहले तारीख में वकीदे किसी ने नहीं बनाए थे उसने कहा पहला अकीदा रोस रसूल की रोज़े की ज्यारत करना नाजायज है अगर कोई शख्स हज के लिए जाता है और सरकार के रोजे की जियारत करता है तो उसका हज बर्बाद हो गया इसलिए कि हज अल्लाह के लिए उसने अल्लाह की इबादत में रसूल की भी जयरत को शामिल कर लिया तो अल्लाह की इबादत में शिरकत हो गई माज़ अल्लाह फिर कहा कि अगर जाना भी है तो मस्जिद नबी की ज्यारत की नीयत से जाए अजीब सरफे आदमी था भाई मस्जिद नबी की ज्यारत से जाओ तो मस्जिद नबी अगर तकदस है मस्जिद नबी की अज़मत है तो किस जात के सब से है बेशक

संजीदगी के, के साथ तमाम गैर मुक़लदीन को मुखातिब करके अगर वो सुन रहे हैं और नहीं सुने तो बाद में सीडियाँ सुनेंगे ये तो उनसे कहना चाहता हूँ कि मेरी गुजारिश है आपसे इब्न तैमिया से पहले किसका नज़रिया था साबित कर दो नहीं मिलेगा आपको और तीसरा बदतर अकीदा क्या गढ़ा किताब यहाँ मौजूद है मेरे हाथ में किताबलवसी इबन तैमिया की आके जिसको देखना है बाद में देख ले बदतरदा ये गढ़ा कि जो ज़ाहिर जाते हैं बुज़ुर्गान दीन के जो वाक़ात कुछ लोगों ने लिख डाले कि ज़ाहिर गया वो कोई बुजुर्ग गया रसूलल्लाह के रोज़े पर सलाम किया क़ब्र शक हुई फटी नबी निकले मुलाकात की वो नबी नहीं होते बल्कि वो कब्र से निकलने वाला शैतान होता है जैसे कि नबी तो खत्म हो गए वो शैतान होता है और ज़ाहिर समझता है कि मैं नबी से मुलाकात कर रहा हूँ और चौथा बदतरीन अकीदा ये था कि ख्वाब में रसूलुल्लाह किसी के तशरीफ नहीं लाते जब उसको कहा गया कि भाई हदीस में आया कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने मुझे देखा जिसने मुझे देखा हक़ देखा तो इसका क्या कहा ये सिर्फ सहाबा के लिए है मकसूद जिन्होंने ज़िंदगी में देखा ख्वाब में भी देख ले ठीक जिसने रसूल को देखा ही नहीं वो पहचानेगा क्यों करके ये रसोल्ला है तो कहा हदीसी में है कहा मैं हूं तो फिर मही हूं कहा यह हदीस में जरूर है तो वो आने वाला शैतान होता है अपनी शक्ल में आता है नबी की शक्ल में नहीं आता और जाहिर से जो खाब देख रहा है ख्वाब में जो जग दीदार कर रहा है उसको कहता है मैं रसुल्ला हूँ और किसी की बात है। अब उसका अर्श पर बैठने का जब अकीदा उसने गढ़ा तो मिनाजुस की बड़ी मशहूर मरूफ किताब ने तैमिया की अंदर दो उसके हाशिया में सफा छब्बीस पर

ले अंदल वल वलकयम हमेशा से है हमेशा है हमेशा ज़िंदा है हमेशा से जिंदा है <Jake> यूमा यशाह वो जो चाहता है करता है साहेब कुदरत है अल्लाह जो चाहता है करता है वह यु तहारो ईज़ा शाह और वो जब चाहता है हरकत करता है हिलता है डुलता है थिरकता है जब चाहता है हरकत करता है वह यू और अपने आप को समेटता है सुकड़ता है अल्लाह ना हुआ माजल्ला रबर का पंच हो गया हमारा तो अकीदा है कि आकी जिसमो जिसमानिया से पाक है पाक है ये हालांकि मैं कुछ जगह बता चुका हूँ कल कुछ लोगों से इसी टॉपिक पे बात हुई तो कुछ लोगों ने अपने छोटे छोटे गुर्गे छोड़े खुद आने के लिए तैयार नहीं है टेम्परेचर ना आ पड़े सुनने का कितना जानते हैं कितना मालूम है अरे खुद ही आ जाओ ना आओ प्यारे किताबें लिखी गई किताब में भी पढ़ रहा था ट्रेन में आते आते बैग में है मेरे यहीं पर हन, हन्फी और मोहम्मदी एक फर्जी हन्फी बना दिया एक मोहम्मदी मोहम्मदी कौन या एहले हदीत उन दोनों में बहस हो रही है मैं हक पर के तू हक पर आखिरी में सुननी हार जाता है ये फर्दी ड्रामे कब तक चलेंगे अरे ओरिजिनल आके बात करो भाई ओरिजिनल बैठो तो पता चल जाएगा क्या मामला है तो अब ये कहता है सुकड़ता भी है अल्लाह व यू कब्जो वह अपने आप को समेटता है वह यू बस्तो और फैलता भी है वह यकोम और उठता है वह इजाशा और जब चाहता है बैठ जाता है जब चाहता है बैठता है जब चाहता है उठता है जब चाहता है सकड़ता है जब चाहता है फैलता है ये अल्लाह की इनके यहाँ तारीफ है और वहीदुसम जो इनके गैर मुखलदों के बहुत बड़े ल्लामा हैं महदी जिल नंबर एक सफ़ा ग्यारह इस्लामी कुतुब खाना सुल छपी भी कहाँ से इस्लामी कतुब खाना सयालकोट पाकिस्तान से किताब छपी है इसकी जिल नंबर एक सफा ग्यारह पर वही कहता है वह कहता है नजूल करता है जब आसमानों की तरफ वो नाजिल होता है तो अर्श उससे खाली हो जाता है बैठा अर्श पे रहता है आसमानों की तरफ आया नीचे पहले दूसरे आसमान पे अर्श खाली हो गया वहा इंतकाल यही मतलब है उसकी जगह तब्दील करने का यन्... जिला अनिल मेम्बर और उसके बाद इब्ने तहमिया कहता है खुदा ऐसे ही अपने अर्श से उतरता है जैसे मैं मेम्बर पर बैठा हूँ अभी मिंबर से उतर जाता हूँ माजल ला इब्ने बतूत एक बड़ा मशहूर मरक गुजरा है इसने बड़ी सेहत की दुनिया घूमता रहा इब्ने बतूता का सफर नामा है इब्ने बतूता कहता है कि मैं दमिश में गया तो इब्ने तयमिया को मैंने देखा कि मसनत पे बैठा है कुर्सी पे बैठा है और खिताब कर रहा है और उस खिताब में कहता है इब्ने बतूता कहता है कि लोगो अल्लाह ताला अर्श पर बैठा हुआ उसे तो मैं बैठा हुआ हूँ फिर वो मंबर से उतर गया कुर्सी से उतर गया और कहा इसी तरह अर्श से उतर जाता है जैसे मैं अभी उतर गया हूँ अब बताइए ये खुदा है जो बैठे अर्श का सहारा ले ये खुदा जो अपने आप को सुकाड़े समेटे रबर की तरह पन्ना लंबा हो जाए छोटा हो जाए हमारा अकीदा है कि अल्लाह ताला बैठने से पाक उठने से पाक चलने से पाक जिस्म से पाक जिसमानियात से पाक हरकत से पाक मादे से पाक वो मदा नहीं है मटेरियल नहीं है अल्लाह रब्बुल रबुल इन तमाम चीज़ों से पाक है और जब इन्हें इलम नहीं तो मुफ्ती अहमद यार खान नही रहमत ला लेकिन चाहकी इबारत इनकी खोपड़ी भी नहीं आई अब वो इबारत क्या थी सुन बड़ी प्यारी बात थी मुफ्ती अहमद यार खान रहमान ने चालक में लिखा कि हर जगह रहना हर जगह मौजूद होना अल्लाह की शान नहीं है बल्कि रसूलुल्लाह की शान है तो कहा शिरक हो गया शिरक हो गया शिरक हो गया रसूलुल्लाह को हर जगह बता दिया समझे ही नहीं बेवकूफ जितनी जगहें हैं वो हादिस है जो जो जगह है वो मखलूक है और अल्लाह ताला तखलूक का सहारा लेने से पाक और तमाम मखलूक में सबसे अफजल रसूल की जान तो मखलूक सबसे अफजल कौन है रसूल या उनका मकाम है कि हर जगह पे तशरीफ ला सके। हैं अल्लाह की शान नहीं है क्योंकि वो उस वक्त भी जगहों से पाक था जब जगह नहीं थी और उस वक्त भी उस जगह से पाक होगा जब जगह फना कर देगा तो वो जैसा पहले से था असल में वैसा है और वैसा ही अदम तक रहेंगे उसके लिए कोई तगैर और तब्दीली नहीं है उसके अंदर यकीर सुन्नत है चुनाचे इमाम बहकीर जो इमाम हाकिम के है और इनका विसाल चार सौ अट्ठावा निजरी इबन तैमिया के पैदा होने से दो सौ तीन साल पहले विसाल हुआ इबन तैमिया पैदा भी नहीं हुआ था उसके पैदा होने से 203 साल पहले किताब लिखी उन्होंने उसका नाम है किताबुल अस्मा वफ़ात जिल नंबर एक सफ़ा 150 पर हज़रत इमाम बहकी रहमत फरमाते हैं अल इस्तवाव फल मुतकद्दूनाबिना और तमाम कानून वालमूनफी कहते हैं कि इस्तवा के बारे में जो कुरान में आया अल अर्श के अल्लाह मुस्तवी हुआ जैसा उसकी शान के लायक है इसके बारे में हमारे पहले के असाब पहले के बुजुर्गान दीन खामोशी इख्तियार करते थे क्या कहते थे खामोशी अख्तियार नहा इसकी वो कोई तफसीर नहीं करते थे क्यों क्योंकि ये आयत मतशाबे थी आयत मतशाव्यात का ना तर्जमा किया जाता है ना उसकी तफसीर बयान की जाती है वला यून मुनाफी और इस हर किस हर किस जबान नहीं खोलते थे का नहवीं मजहब हिमफी अमसाली और इस बारे में भी उनका वही मजहब था जैसे दिगर आयत मतशावियात के बारे में उनका मजहब है कि खामोशी अख्तियार की जाए फ़ताव आलमगिरी जो फिक्र हनफी की मत्वर किताब है जल नंबर दो सफ़ा दो सौ वन और बहर वायक बाबुल अहकाम जिल पाँच सफा एक सौ बीस पर है यू कफरा ही कहते कि ये बात कुफर है ये कहना कि अल्लाह ताला के लिए तगह और मकान है अल्लाह के लिए जगह और मकान साबित करना ये क्या है कुफ्र है इस्लाम से आदमी खारिज हो जाता है फ़ताव काजी खां जिल नंबर चार सफ़ा चौरासी पर लिखा जाता है और रजुल किसी शख्स ने यह कहा खुदाए बर आसमान मी दानत के मन चीज़ें न दारम जो खुदा आसमानों में है मैं नहीं जानता कि मेरे पास कोई चीज़ नहीं अल्लाह को पता मैं तो कंगाल हूँ, कुछ नहीं है मेरे पास और कौन खुदा वो जो आसमानों में है तो उसने कहा अल्लाह आसमानों में है यकून व कुफरा तो तहकीक उसने कुफर किया ले मुनज़्ज़ह अनिल मकान इसलिए कि अल्लाह मकान से पाक है अल्लाह के लिए ऊपर नहीं है अब यहाँ मैं एक मसला बता दूँ बाहर शरीत से लेकर मोतार, आलमगीरी तमाम किताबों में मौजूद है कि अल्लाह के लिए ऊपर वाला बोलना जायज़ नहीं है मैं एहतियात कर रहा हूँ हालांकि पास किताबों में तो कुफ़्र लिखा है कि कुफ़्र है ऊपर वाला कहना अल्लाह के लिए जायज़ नहीं कि इसलिए कि अल्लाह जहद सिमत ऊपर नीचे इससे पाक है ये हमारे लिए ऊपर नीचे दाएं बाएं अल्लाह के लिए कोई ऊपर नीचे दाएं बाएं नहीं तो हमारे यहाँ माँ बहनें जो बोल जाती हैं हमारे एक जो नावाफ मुसलमान सुन्नी बोल जाते हैं ऊपर वाला देख रहा है ऊपर वाला जानता है ये कहना जायज़ नहीं है बिल्कुल ना कहें इससे परहेज करें आप हाँ। अब आइए ये मैंने चल इस पर बहुत सारी तफसली मेरी तकरीर हो चुकी है इनके नज़दीक एक क्लिप दिखा रहा हूँ बहुत सारी मैं क्लिप दिखा चुका हूँ इस तल्लु से कि अर्श पर बैठने का क्या अकीदा है उसके बाद फिर मैं कुछ मजीद बातें नहीं बताना चाहूँगा आइए इनके नज़दीक अल्लाह कहाँ है जो मैंने किताबों से बोला अगर किसी को यकीन ना हो और ये समझ रहा हो कि यार ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह को अर्श पर बताते हो या कैसे हो सकता है कि अल्लाह के बैठने के कायल हो तो आइए किताबों पर यकीन ना हो तो बोलते हुए आदमी को सुन लो तालिबरहान पाकिस्तान अल्लाह ने युदबिरुल मिनस समाए इला अल अल्लाह ताला आसमानों से जमीन की तरफ कामों की तदबीर करता आसमान अल्लाह ताला का हेडक्वार्टर है वहां से जमीन की तरफ अपने कामों की तदबीर करता आसमान अल्लाह का हेडक्वार्टर है वहां से वो जमीन की तरफ अपने कामों की तदबीर करता है मेन डिपार्टमेंट मेन ऑफिस आसमान ब्रांच ऑफिस नहीं पता कहां कहां है आइए कुरान अज़ीम की इस आयत का एक तर्जा जिसको को ये दलील बनाते कल कुछ जो लोग आए थे उन्होंने भी यही दलील पेश की और उसके जवाब में मैंने जब सिर्फ एक ही बात कही अलकान फीलूमिल कुरान जो अलत इमाम जलादिन सऊती की तसनीफ़ है और उल्लूम कुरान के मुतल है मैंने किताब पेश की उसमें कहा देखिए ये आयत मतशाबात है और कुरान में कि जो मुतशबे आयात के पीछे जाते हैं उनके दिलों में कजी है इस पर अदा नहीं बनाया जाता तो वो आखिरी तक बेचारे साबित ही नहीं कर पाए कि मुतशाबे नहीं है तो अब मुतशाबे आयत का तर्जमा क्या किया जा रहा है ये वहीदाजम साहब का तर्ज कुरान है जो हिंदुस्तान में आपको इनके हर मकतब में मिल जाएगा महमूद मह क्या नाम मैं वहदाज़मा साहब अपने तर्ज कुरान में ये आयत इनकी सबसे बड़ी दलील है आइए देखिए कौन सी आयतें आ रही है इस्लामी एकेडमी उर्दू बाज़ार दिल्ली से ये छपा है कुरान शरीफ़ यूनुस है पारा नंबर ग्यारह है इसका और यूनुस की आयत नंबर तीन हैमर तर्जमा इन्होंने क्या किया इनका तर्जमा पढ़ रहा हूँ प्रोजेक्टर पर आपको दिख रहा है लोगो बेशक तुम्हारा मालिक अल्लाह है जिसने छः दिन में आसमान और जमीन को बनाया फिर अपने तख्त पर बैठा और दुनिया का इंतजाम वहीं बैठे बैठे कर रहा है आला हजरत ने इसका क्या तर्जमा किया आयत मतशाबियात का तर्जमा नहीं किया जाता मतशाब्यात क्या होती है मैं बता देता हूँ सुन लीजिए जिब्रील आते हैं तब से रूल बयान उठा के देखे जिब्रील कहते यार सुल्ला आपका रफ फरमाता है अलीफ सरकार ने फरमाया मैं जान गया सुबह लाम, मुझे तो मालूम है आप जान गए जानते थे समझ गए मुझे तो कुछ नहीं अल्लाह और मेरे दरमियान एक राज है जिसको तू भी नहीं समझता तो मोहताब्याल ना समझ सके ये फटीचर समझने चले अल्लाह वो जीवरी ना समझ सके ये फटीजर समझ रहे हैं अंदाज लगा रहे हैं आप उठाओ तबसरूल बयान और इब्तदा में पहली जिल्द के अंदर तो ऐसी कई आयतें हैं जिसका तर्जुमा नहीं मालूम अगर मोहताशाबाद के हर आयत का तर्जुमे का, का इतना शौक है तो अलीफ लामीम का ही तर्जुमा करके दिखा दो हिम्मत हो तो अभी तासिन पे बाद में देखेंगे पहले अलीफ ही को दो अलीफ हरफ अफज में पहला लफ्ज आता है क्या कहते हैं उसको मैं भूल गया देखिए हाँ? नहीं 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 वो नहीं अली बात आज क्या हो सकता हाँ हरूफ तहाजी में पहला तो तुम तो अभी इब्तदा के अलीब को ही नहीं समझ सके और तुम चले साहब हरूफ मुतशा आला हजरत ने देखा कि आयत मतशाबे है इसका अल्लाह रसूल के सिवा कोई नहीं जानता क्या मुरादे अल्लाह की क्यों तमाम अम्मा ने फरमाया मजहूल इस्तवा मजहूल हमें नहीं पता क्या है मजूलिया ने जिसके बारे में मालूम ही ना हो कुछ समझ में ना तो ही ना आए तो ने फरमाया वही तुम्हारा रब है जिसने आसमान को पैदा किया और फिर इस तवा ने फरमाया जैसा उसकी शान के लाया गए इसवा को इसतवा रख दिया तर्जमा ही नहीं किया ये शान है और जहाँ तर्जमा करना चाहिए था वहां तुमसे बन नहीं पाया अब कहा नहीं बन पाया सुन लीजिए एक आयत का तर्जुमा इन्होंने किया बड़ा अजीब तर्जुमा किया कहा कि और तुम गरीबों को खैरात करो मिशिन को हक दो मुसाफिरों को हक दो वो लोगों के लिए बेहतर है जो चाहते अल्लाह का मुंह देखना yes. अरे यार अल्लाह का मुंह देखना क्यों चाहते ये और ये मुंह है कहाँ तो अब यहाँ तो देखो बेहती बेहतरीन तर्जुमा किया जा सकता था मगर तोफिक नहीं हुई आला ने इसी आयत का तर्जुमा क्या किया मिस्किन को हक दो अपने रिश्तेदारों का हक अदा करो मुसाफिरों का उनका हक दो वो लोगों के लिए बेहतर है जो अल्लाह की रजा चाहते हैं है, वहां इनसे बन नहीं पा रहा अब आइए आपका हकीदा है गैर मुखालदिन का हेड क्वार्टर आसमान में अर्ज के ऊपर अर्श पर अल्लाह बैठा है वहीं बैठे बैठे इंतज़ाम कर रहा है तो ज़रा जुर्रत हो ये दस सवालों के मेरे जवाब दे दो फिर रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि दो साल पहले फिर किया था नेट पर डले हुए हैं एक सवाल को भी अब तक किसी गैर मुखलद ने हाथ नहीं लगाया तो यहाँ के गैर मुखल सुने तो ज़रा मेरे एड्रेस पर एड्रेस भी सुन ले भाई भालदारपुरा ये मोहल्ले का नाम है मेरे भालदारपुरा हकीम जी के बाड़े के पास नागपुर फारूक ख़ान पहला नाम लिख देना फारूक ख़ान रजवी मेरे एड्रेस पर इधर जरा लिख कर भेज देना ये दस सवाल हो गया पहला सवाल अर्श मखलूक है या अल्लाह की ज़ात का शरीक है सिर्फ सवाल कर रहा हूँ अर्श मखलूक है या खुदा है या अल्लाह की ज़ात का शरीक है दूसरा सवाल अर्श हादिस है या गैर हादिस हादिस का मतलब हादिस का मतलब ये कि जो हमेशा से था जो पहले नहीं था वजूद में आया फिर नहीं होगा अल्लाह के सिवा जितनी चीज़ें हैं सब हादीस है सब मखलूक है सबको सब पैदा किया अल्लाह ने सिर्फ अल्लाह की ज़ात में जिसको किसी ने पैदा नहीं किया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गैर हादीस है इंसान हादिस अर्श कुर्सी लौ कलम ज़मीन आसमान सब हादिस तो अब बता दीजिए अर्श हादी है कि गैर हादिस तीसरा सवाल अर्श उसने पैदा किया किसने अल्लाह ने तो अल्लाह ने पैदा किया कुरान में खुद अल्लाह ने जिक्र फरमाया कि उसने अर्श बनाया और उसका अर्श पानी पर था तो अर्श बनाया और मस्तवा अलल अर्श उससे तुम कहते हो कि अर्श पर बैठ का बनाकर बैठा तो जब अर्श नहीं था तो कहाँ था सिर्फ सवाल है मैं तफसीलात नहीं जा रहा हूं जब अर्श नहीं था तो कहाँ था उसके बाद चौथा सवाल वो अर्श पर है या अर्श पर मुस्तवी है तुम्हारे अकीदे के मुताबिक तो अर्श उसके बराबर है या अर्श उससे छोटा है या उससे बड़ा है अर्श उसके बराबर है उससे छोटा है या उससे बड़ा है उसकी जात से चौथा सवाल अब पांचवा अगर ये कहते हैं अब हाथ लगाए अगर कहेंगे नहीं अर्श और खुदा बराबर बराबर है तो अल्लाह की जात में तुमने अर्श को शरीक किया तो शिरक हुआ कि नहीं हुआ अल्लाह के बराबर अर्श को बना के तुम मुसलमान बचे क्या अभी भी छठा सवाल अगर ये कहते हैं नहीं अर्श और खुदा बराबर नहीं नहीं बराबर बराबर नहीं है जैसे कि अपने तैमिया ने कहा आप सुनिए अपने तैमिया ने क्या कहा कल बड़ी एक प्यारी बात हो रही थी आने वाले कह रहे थे सब वो हम नहीं मानते अल्लाह बड़ा है छोटा है अर्श पे बैठा है नहीं बैठा है मैंने कहा तुम्हारे मानने नहीं मानने से क्या होता है तुम्हारे अब्बा क्या मानते वो मैं यार रखती है बात आप अपनी जमात के वकील हैं मैं अपनी जमात का वकील हूं और ये धोखा देना कौम को बंद ना करो जब भी ये मनाजरे में बैठते इबने तैमिया ने कहा हमें नहीं मालूम फुला ने कहा हमें नहीं पता मैं कहता हूं जनाब आप अकीदे के बानी नहीं है आप फिरके के बानी नहीं है आप अपने फिरके के वकील हैं वकील का काम सिर्फ अपने फिरके के लिए लड़ना है और ये तुम्हारी कितनी बड़ी कमजोरी है देखिए बता रहा हूँ सुन्नियत की हक्कानियत के लिए इससे बड़ी और क्या दलील चाहिए यार आपको आला हजरत पर इतने इतराज़ करते हो आज तक ऐसा हुआ कि किसी हमारे मौलाना ने कहा मैं आला हजरत को नहीं मानता दे। देखिए बहुत बारीक नुकता बोल गया मैं आपने इसको लिया नहीं सीरियस उसको अरे तुम आला हजरत पर इतने एतराज लाते हो गरीब नवाज पर इतराज लाते हो गौसे आजम पर इतराज लाते हो इमाम आजम अबू हनीफा पर इतराज लाते हो क्या कभी तुमने देखा बताओ कोई तारीख ऐसी है जिसमें हमारे किसी आलिम ने कहा हो मैं इमाम अबू हनीफा को नहीं मानता मैं आला हजरत को नहीं मानता नहीं हम बुजुर्गों का अपना दामन नहीं छोड़ते हम दिफा करते हैं जवाब देते हैं और तुम्हारे बातिल होने की सबसे बड़ी दलील ये है कि जैसे तुम्हारे बुजुर्ग का नाम लो हम नहीं मानते छोड़ा दामन भागा भाग क्यों रहा है भाई हम भी तो यही कह रहे हैं, भाग इसलिए रहे सच फरमाया ये काफिर है ने सच का निकल गया इसलिए तो छोड़ रहा है और कल ये हुआ वीडियो बनी उसकी कल तो हुआ ये कॉल नहीं कॉल कुफ रहा है इबने तैमिया का इब्ने तैमिया को काफिर नहीं कहेंगे वाह वाह वा, वा। कॉल मुशरिकाना है

तुम्हारी बदनसीबी भी है तुम हिचकिचाते हो हम हमने हिचकिचा अब आइए सुने अब अर्श बड़ा है खुदा से या छोटा है या बराबर बराबर है अरे इधर तो दीजिए जाने दीजिए तो इब्ने तैमिया ने, ने कहा इबिन तैमे ने तीसरा रास्ता निकाला छोटे और बड़े के लफड़े में मैं क्यों पढ़ूँ तो अबिन तैमे ने क्या क्या सुनिए इस किताब का भी बेचारे जवाब नहीं दे सके फ़ताव हदीसिया इमाम अहमद शहाबुद्दीन इबन हजर अल मक्की रहमत लि की किताब से ज़माना अपने ज़माने के फ़न जरा तादी के इमाम ऐसे मुसलमी इमाम जिनको ये भी मानते हैं बदनसीबी तो ये है इनकी अब इमाम इबन तैमिया हजरत इमाम इबन हजर माफ़ करना इमाम इबन हजर क्या फरमाते फ़ताब हदीसिया में आइए इसको देखें इसके अंदर सफ़ा नंबर 116 सो पर वो कहते हैं इब्ने तैमिया का रद्द कर रहे हैं कि इब्ने तैमिया का ये बदतरीन नकीदा ये बदतरीन नक़ीदा कहते व बिल जिस्मातिन वाल जहतिन वालत नहु नहू आरशी ला अजगरो वला अकबर इब्न तैमिया का ये भी कौल है इबन तैमिया ये भी कहता है कि अल्लाह जिस्म रखता है उसके लिए जगह जहत है चारों छः सिमतें हैं मशरक़ मगरब शुमाल जुनूब ऊपर नीचे ये छः सिमतों के अंदर वो घिरा हुआ है वाल इंतकाल वह जगह बदलता है जगहों को तब्दील करता रहता है कभी यहाँ कभी वहाँ फिर कभी वहाँ कभी यहाँ बदलता रहता है अन नहु बेकदरिल अर्श वो अर्श के बराबर है ना उससे छोटा है ना उससे बड़ा है इब्ने तैमिया ने कहा अब ये कह रहे हम नहीं मानते तुम्हारे नहीं मानने से क्या होता तुम्हारा बाप मानता है अपना पहले देखो ना सब नामा तो इब्ने तैमिया ने कहा अल्लाह अर्श से ना छोटा है ना बड़ा है तो मैं कहता हूं जब अल्लाह अर्श के बराबर है तो अल्लाह की जात में तुमने अर्श को शरीक किया कि नहीं किया अब अगर कहोते हो नहीं अब तुम अपने तहमिया का दामन छोड़ा तो कहा नहीं ये तो तोहिन हो जाएंगे यार बराबर बराबर कैसे कर सकते है? ऐसा करते हैं नहीं अल्लाह बड़ा है और छोटा है अब ये अल्लाह से छोटा ही बताना पड़ेगा मजबूरी है तो फिर मेरा एक सवाल खड़ा हो जाता है अब सातवा सवाल भाई सवाल ये है कि जब अल्लाह बड़ा है और छोटा है तो अल्लाह अर्श पर बैठा तो अर्श से बाहर भी उसका हिस्सा है कुछ जिसम रखता है ना तो जो हिस्सा अर्श से बाहर है वो भी खुदाई में दाखिल है कि नहीं है वो भी खुदाई का हिस्सा है या नहीं ज़ात का हिस्सा है या नहीं इसका जवाब दे दे और आप कहेंगे नहीं अर्श बड़ा है अल्लाह छोटा है अब पल पथ जैसे मैं बैठा हूं कंफर्टेबल कब बैठेगा आदमी भाई मैं एक साहब को बुलाऊ अपने घर में और एक लंबा सा डंडा खड़ा कर दू बैठ जाएगी बैठेगा वो अब बैठ गया तो क्या होंगे मैं नहीं कहता भाई बैठेगा तब आदमी उसके जगह कुशादा हो कुर्सी देखिए मैं बैठा हूं जिस कुर्सी पे मुझसे थोड़ी बड़ी है तो मैं कंफर्टेबल बैठा हूँ आराम आरामदेह कुर्सी लग रही है तो आप कह रहे कि नहीं अर्श बड़ा है अल्लाह छोटा है मैंने कहा अच्छा अल्लाह छोटा है तो फिर ये बताओ अल्लाह महदूद हुआ कि नहीं हुआ तो अल्लाह को महदूद करना क्या हुआ हाँ बोला तो फंसा ना बोला तो फंसा अब एक ही जवाब कल से वही रट हम नहीं जानते कैसा हम नहीं जानते अरे जानते नहीं बोले जा रहे अल्लाह का चेहरा हाँ मानते लेकिन हमें नहीं मालूम कैसा है अल्लाह का हाथ हाँ मालूम है हाथ है कैसा है हमें नहीं मालूम पैर हाँ, है 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 पैर हमें नहीं मालूम कैसा है अबे सारा तराश डाला और मालूम ही नहीं कैसा है पूरा एक बुत तराश डाला जहन में हाथ पैर नाक कान कमर सब बना डाला अब बोलता मालूम नहीं कैसा है अजीब आदमी कैसा है अरे आपकी बीवी कैसी है रंग हो रहा है लेकिन मुझे नहीं मालूम कैसी है <laughs> हाथ अच्छे है खूबसूरत है लंबी लंबी उंगलियां लेकिन मुझे नहीं मालूम उंगलियां कैसी अरे आप सराफा बता ही रहे हो बोलते फिर मालूम ही नहीं अजीब ना मानना है यार ये तुम्हारा तो अब अर्श बड़ा अल्लाह छोटा तो अल्लाह महदूद हो गया और अल्लाह को महदूद करना खुद क्या हुआ कुफ्र हो गया शिर्क हो गया अब यही नहीं आपता चुप करेंगे किताबुल वसीला यहाँ मौजूद है अब मैं प्रोजेक्टर पे भी दिखा रहा हूँ अल्लाह को अर्श पर बैठना तो छोड़ो अब तैमिया की इस किताब का तर्जमा किसने किया मालूम किताब-ul-वसीला का इनके बहुत बड़े अल्लामा शहीद भी लिखते हैं इनको अल्लामा एहसान इलाही जहिर शहीद पाकिस्तान में सुन्नियों ने बम से उड़ा दिए थे इनको हाँ ये मजाक में नहीं बोल रहा रियलिटी है बहुत जहर उगलता था ये और इसकी मैंने एक जगह वीडियो दिखाई थी आप देखो जैसा लगा गुंडार मवाली लड़ रहा है कोई हस्तीन चढ़ी हुई है देखना है चलो हाँ फरमा रहे हैं दिखा दो मुझे तलाश करना पड़ेगा थोड़ा हार्डिस्ट जुड़ी हुई है ना थोड़ा सा तलाश करना पड़ेगा क्योंकि हार्डिस्क मेरी इतनी बड़ी है पड़े पढ़े आप जब तक अल्लाह चलिए मैं दिखा दूंगा बाद में इंशाला अगर बीच में थोड़ा सा वक्त बहुत कम है एक जगह मैं दिखाया भी था बहरहाल एहसान अलाई जहीहिरर साहब ने यह तर्जमा किया इनके तर्जमा करने वाले भी आलिम मोत् चलिए आप शायद दिख जाएंगे अरे चालू क्यों नहीं हो रही है मेरा कंप्यूटर भी ना वहाँ भी पे दिखा दिखा के बोलता कहाँ है क्या दिखाते रहते हो तुम वो भी बेचारा परेशान हो जाता है चलिए देख लीजिए हाँ हाँ चालू है चालू है चालू, है चालू, है चालू है। दुनिया से देखिए दलील से बात करो ये जिसने तर्जमा किया ना देखो ये मौलाना का हुलिया लग रहा है कि बंबई के मौलाना का गुंडे का मौलाना आपने कब्रों को पुख्त कभी रब की कसम है जुलूस निकालूंगा और कहूंगा या बदलाव नबी की अपनी पीड़ी वो भी भी। ये मौलाना है सर पे टोपी गाया टोपी तो नसीब ही नहीं होती इनको चलिए बहरहाल ये, ये एहसान इलाही साहब ने किताब लिखी अब आइए जो मुद्दे की बात है अब सुनिए अल्लाह भी अर्श पर बैठा अब आप ताज्जुब पड़ जाओगे कि यार क्या अकीदे इन लोगों के कि किस बल पर ये बोलते हैं कि हम हक पर है इबने ने एक हदीस यहाँ कोर्ट की तर्जमा इनका है मेरा नहीं है और ख़ास बात यह कि इब ने इस हदीस का हवाला दिया नहीं लेकिन मैंने हदीस तलाश की कि मैंने कहा यार कहीं ना कहीं हदीस होंगी ढूँढो ढूंढो तो एक दिन इत्तेफाक से मैं इमाम बहकी की अल आदाब पढ़ रहा था उसने मुझे हदीस मिली दिगर अल्फाजों में अल्फाज भी अलग से अमिन तहम्य ने ये अलग अल्फाजों से लिखा और हवाले ही नहीं कोट किया कि किस हदीस से लिखा मगर जो तर्जुमा एहसान इलाही साहब ने किया और तर्जुम सुने किताबुल वसीला अल किताब इंटरनेशनल से किताब छपी है हाँ शकील भाई दिखाएं देखिए सफ़र नंबर एक सौ छियालीस क्या लिखते हैं ज़रा तर्जुमा हदीस लिख रहा है भैया हदीस का हवाला वाला सब गायब है कि हदीस है भी नहीं अल्लाह जाने कहता है जब रहमान ने रहम को पैदा किया तो वो रहमान की कमर से लटक गई समझ रहे हैं अब बिल फर्द मान लो अगर वहाँ लफ्ज़ आया भी है तो अल्लाह के लिए मतशाबे लफ्ज़ है होना क्या चाहिए था वहाँ तावील इख्तियार की जाती है और उसका तर्जुमा यूँ भी किया जा सकता था कि जब रहमान ने रहम को पैदा किया तो अपने क़ुरबे खास में लिया मगर ये तोफिक नहीं है अदब की तो आप यहाँ पर देखें कि ये भी इनका मिजाज है कि साहब अल्लाह की कमर तक है तो अब जाहिर है अल्लाह अगर बड़ा है तो कमर फिर अर्ज़ के बाहर लटकेंगी कि नहीं लटकेंगी कमर से ही बैठेगा ना तो अर्ज के बाहर जो हिस्सा है वह खुदाई में दाखिल है या नहीं और अगर छोटा है तो खुदा महदूद हुआ कि नहीं हुआ अब आइए नवा सवाल सुने नौवा सवाल ये है कि तुम कहते हो सुम अर्श अल्लाह अर्श पर बैठा अर्श बनाया फिर बैठा तो अब उतर सकता है कि नहीं उतर सकता तो कहेंगे उतर सकता है इब्ने तमिल तो लिखा भी है उतर सकता है तो मैं कहूंगा अगर उतर सकता है और उतरता है तो उसकी जात में तगैयर आया कि नहीं आया तब्दीली आई कि नहीं आई और खुदा बंद कुदूस की कु में तब्दीली और तगैरात और उसके तब्दील मानना उसकी जाद में तगैरात का तस्लीम करना यह खुद उलमा फरमाते कुफर शिरक है और अगर आप कहेंगे नहीं बैठा है उतरता नहीं है ना उतरता है ना उतर सकता है तो मैं कहूँगा अगर उतर नहीं सकता तो फिर आजीज है कमज़ोर है ना गैर कवि है और वह खुदा क्या जो कवी ना हो आजीज हो कमजोर हो तो ये इतना बदतरीन अकीदा है ये अरश वाला कि खुदा की कसम हाँ बोलो तो फंसता है ना बोलो तो फंसता है अरश पर अल्लाह नहीं बैठा है इसलिए कि अर्श मखलूक है और उसकी कायनात में अरश एक हिस्सा है कायनात में आसमान भी है जन्नत भी है दोजक भी है जमीन भी है बहुत सारी चीजें ये पूरा यूनिवर्स उसकी कायनात है उसमें एक अर्श भी एक चीज उसकी मखलूक है अर्श पर बैठना उसकी शान नहीं मखलूक का सहारा लेना उसकी शान नहीं वो रब कायनात बेनियाज है मखलूक का सहारा लेने से वो खुद फरमाता है अल्लाह उस समद वो बेनियाज है तो अर्श पर कौन बैठता है अर्श पर बैठना किसकी शान है कौन अर्श पर बैठ सकता है किसको सेवा है कि अर्श पर बैठे तो आला कहते वही ला मका के मकी हुए सारे अर्श तख्त नशी हुए वो नबी है जिनके ये है मका वो खुदा है जिसका मकान है नारे तकबीर नारे रिसालत तहफुज ईमान व अकायद कॉन्फ्रेंस उलमाए अहले सुन्नत के आला हजरत सुभान अल्लाह अब समझ में आया मसला क्या हालत क्यों बोलते हैं जितनी गुफ्तगू को, को इतने देर में बोलो आला तो, तो एक शेर में बोल देते हैं वही लामका के मकी हुए सारे अर्श तख्त नशी हुए वो नबी है जिनके ये है मका वो खुदा है जिसका मका, मका नहीं नहीं अब जब सवाल करो तो ये बहकी भहकी बातें करने लगते हैं फिर पूछो कुछ मत इनकी सिर्फ सुनो तो हाँ बहुत इखलाक वाले सुननी बड़े अच्छे हैं जो सुननी सुनता है ना हाँ ये बहुत अच्छे है और जो सुनिए बोलाना ये कैसा झगड़ा लू सुननी है तो अब जैसे हमने सवाल पूछे तो ये आ गए अपने ऊँचे पे अब आइए तालिहन का ये ऊँचा सुन लीजिए सुनिए आपने कहा कि देखो जब अल्लाह ताला अर्श जो है वो अर्श पर जब अर्श नहीं था फिर अल्लाह कहा था तो ये सवाल तो एक पागल ने पहले ही कर दिया था उन्होंने कहा कि अच्छा अल्लाह जब आसमान नहीं थे तो अर्श कहा था तो उसका जवाब उन्होंने ये दिया कि था, था तो कहा अर्श हो रल्मा जब आसमान नहीं था तो अल्लाह तर्श पानी पर था अच्छा जब पानी नहीं था तो फिर वो अर्श कहां पर था कहा वो मेरे बाप पर था तुम्हारा बाप किस पर था, था तेरी मां पर था <laughs> देख रहे हैं ऊंची जबान बदनाम ये सुन्नी उल्मा को करते हैं कि सुन्नी उल्मा बड़े फैश को होते हैं बड़ी बदतमीज से बात करते हैं किसी ने सवाल पूछा है रहमान से कि तुम कहते हो अल्लाह अर्श पर है बताओ जब अर्श नहीं था तो अल्लाह कहा था तो रहमान कहता है उसका जवाब दिया हमने कि अर्श उसके पान, जो पानी पर था काछा जब पानी नहीं तो फिर आर्श कहाँ था तो कहा वो तेरी माँ पर था तेरे बाप पर था और बोले बाप किस पे था तो बोले तेरी माँ पे था कितने फैश को है ये लोग यानी संजीदा गुफ्तु को इनको नसीब नहीं होती और क्यों नहीं होती अल्लाह के नबी ने बताया था ये फितनों के कायद होंगे और इनके मानने वालों की कम से कम जिसकी 300 भी तादाद है तीन भी उसके अगर मानने वाले हैं तो उसके बारे में रसुल्ला ने बता दिया तो पहला फितना परवर आपने जाना कौन था एक फितना परवर के चेहरे से भी मैंने नकाब उठाया वो था इबन अब आइए इबन तैमिया को तो उसकी मौत मार दिया उस दौर के ने जैसे कि चार बिन दुरहम को गला दबा के खत्म किया गया खत्म हो गया उसका नजरिया कि क्या जिसम रखता है छह सौ सो इकसठ हिजरी में इबिया ने चार बिन दुरहम के अकीदे को जिंदा किया और उस जमाने में तैमिया के इस नज़रिए और अकीदे की धजियाँ उड़ाई गई अक़दा ख़त्म हो गया तो उसके बाद एक शख्स और पैदा हुआ जिसने इस अकीदे को दोबारा फिर ज़िंदा किया अब वो शख्स कौन था उसका तारु मैं हदीस की रोशनी में दूंगा ताकि आप देखें कि हमारे जब बोलते हैं तो बग़ैर दलील के नहीं बोलते चलिए आइए पहली हदीस देखते हैं यह है सई मुस्लिम बैठ जाइए भाई यह है सही मुस्लिम हदीस की मतबर किताब से सत्ता में शामिल इसकी हर हदीस सही है जिल नंबर इसकी दो फितन व अशरात सात क़यामत की निशानियों का बयान हदीस नंबर सात हज़ार एक सौ पैंसठ दो हदीसें मैंने अंडरलाइन की मैं नीचे वाली पढ़ रहा हूँ वक्त बचाने के लिए दोनों हदीस का मफहम एक ही है हदीस ये है के इमाम कि इमाम मुस्लिम कहते हद दसना अब बकरन अबी शायब ता वकी वो कहते हदीस बयान की इमाम अब बकरन अबी शायबा ने वकी ने अन इक्रम तबन अमार और उनसे रिवायत करते हजरत इक्रमा से वो रिवायत करते हैं हजरत इक्रमा इबन अम्मा से अन सालिम और वह हजरत सालिम से रवायत करते हैं अन इबन अमर अदी अल्लाह तु वह इबन उमर से रिवायत करते हैं रसोल्ला बेत आयशता अब्दुल्लाबन कहते अल्लाह के रसुल ने फरमाया उस वक्त जब आप हजरत आयशा के हुजरे के पास थे फकाल अल्लाह के रमीन अरसाद फरमायाफर मिन हा हुना आफ्र का सरगना अब मैं आपकी बम्बैया लगे गई मुझे बोलता हूं सरगना तो ये अच्छा लफ्ज हो गया कुफ्र का डॉन समझ में आ गया फर का सरगना इस तरफ से निकलेगा इशारा किया आपने खड़े अल्लाह के नबी हजरत आयशा के उजरे के पास आयशा के उजरे के पास मुस्लिम के अल्फाज है हजरत आयशा के घर के पास रसुल्ला खड़े थे मिन आयशीलहाजरत आयशा के घर के पास रसुल्ला खड़े और फरमाते फकाल नबी ने फरमाया फरमायाफ्र मिन हा हुना कुफ्र का सरगना कुफ्र का जो है सबसे बड़ा बदमाश इस तरफ से निकलेगा किस तरफ से मिन हायसो या तुलू शैतान यानी मशरिक जिस तरफ से शैतान का सिंह निकलेगा यानी मशरिक की तरफ से दो पहचान बताइए अल्लाह के नबी ने पहली कि जहां से कुफर का सरगना निकलेगा वो इलाका किधर है मशरिक की तरफ है और मशरिक की तरफ से क्या निकलेगा शैतान का सिंह अब करनु शैतान का शैतान का सिंह मगर मजबाहलगात जो देवबंदियों की लगात है देवबंदी हजरात छापते देवबंदियों के ने छापी उन्हीं के उलमा की लिखी हुई लुगात में कर्न शैतान का एक और तर्जमा इन्होंने बयान किया और वो तर्जमा किया शैतान की राय का पाबंद अब उनका तर्जुमा लो तो बात तो और मजेदार हो जाती है के अल्लाह के रसुल फरमा लोगो रसल कुफ़्र मिना कुफ़्र का सरगना इस तरफ से निकलेगा मिनहैसो मिन यतलू करन शैतान जहाँ से शैतान की राय का पाबंद निकलेगा जो शैतान की राय का पाबंद होगा यानि शैतान उसका बॉस होगा या शैतान का चेला होगा किस तरफ से यानिल मशरक मशरक को याद रखे कर्न शैतान लफ्स को याद रखे अब मशरक़ है कहाँ वक्त होता तो मैं इस इसमें पूरी तफसील बयान करता इस जिम्मेदारी के साथ कि अगर किसी को डाउट हो तो जब चाहे बाजू से बाजू मिला के बैठ जाए तो मैं बताऊँ कि आयशा रबी अल्लाह तुजरा है वहाँ रसूल्लाह का मजार अकदस है रोज़े रसूल की तरफ जाए और सरकार के रोजे का जो हजरत आयशा का दरवाजा था उसी दरवाजे की सिम खड़े हो जाए और जब वहां से मशरक़ की तरफ देखे तो कौन सा इलाका आता है वह आता है नजद का इलाका और नजद का नाम इन्होंने बदल दिया क्यों हदीस में बताया था नजद के बारे में नाम रख दिया इन्होंने रियात मैंने कहा अगर कोई तवायफ अपना नाम पारसा बेगम रख दे तो नाम बदलने से क्या उसका काम बदल जाएगा अगर कोई काली कलौटी औरत बोले मैं नूर जहां हूं आए जहां की नूर तेरा अल्लाह अगर मेरी कोई मेरी वालदा का भी नाम नूर जाए पहले मैं बता दू मैं मिसाल दे रहा हूँ मेरी वालदा का नाम अलहमदिल्ला ही है मगर वो गोरी है भाई हाँ प्योर पठान है लेकिन अगर कोई मेरी बहन का नूरझा हो तो बुरा ना माने कि मैं मिसाल दे रहा हूँ किसी का नाम की मैं तनकीद नहीं कर रहा हूँ कोई काली औरत है और नाम नूर जा हो तो क्या उसके नाम नूरजा होने से वो खूबसूरत और हसीन हो जाएंगी नहीं हो जाएंगी जो असल है असल है तो अगर तुमने नजदे का नाम बदल के रियाद रख दिया तो क्या नवसत ख़त्म हो गई श, शैतानियत के जो असरात है वो ख़त्म हो गए नहीं हुए मौजूद है और कितने मौजूद है अभी हाल ही की बात है कल ही की बात है कल जब मैं अपने होटल के रूम में था तो एक मसलक जो आप ही के बम्बे के रहने वाले हैं मौलाना अशफाक अहमद शरीफी शाफाई एन सुन्नत है मसलक के आला हजरत के मानने वाले शाफई भी मसलक के हालत के मानने वाले है। माल की भी जो अकीदे में हालत के अक़ीदे पे है वो सब मसलक के आलत के मानने वाले हैं फरो की बात अलग है उन्होंने एक किताब मुझे तोहफे में दी तिहत्तर में से एक उसमें अलामा आले रसूल हजरत अलामा नज़मी साहब दामद बरक़मकिया का मुकदमा और तकरी छपी भी है मैं वो पढ़ रहा था उसमें उन्होंने अपने मुरीद जो वहाँ पर उनका रहता था उसका बयान नक़ल किया है अलामा नज़मी साहब ने आप ही के बॉम्बे की शख्सियत है आल रसूल है मैं पढ़ रहा तो मेरे को ये हदीस याद आ रही थी तो मैंने कल ये हदीस को फिर मैंने कहा बयान में रखा जाए नजमी मियाँ क्या कहते हैं कि मैं मदीना मनवरा गया तो वो उनका मुरीद वहाँ के जो खा खुदाम होते हैं उनमें शामिल भी है आ, मुरीद है कई सुन्नी जो छुपे हुए हैं वहाँ पर ऐसे छुपाते अपना ईमान इन बदब्तों के जुल्म की वजह से तो कहता है कि बयान करते हैं कि वो जो खादिम वहाँ बहुत शोर करते हैं वो जो नजदीक खादिम होते हैं ना और बाद तो कहते हैं कि माजल्ला अपने पैरों को रसोल्ला की जालियों से भी मस्त लग करके लगा के खड़े रहते हैं चिल्लाते शोर करते हैं। और कुरान थे की आयत है कि नबी की बारगाह में अपनी आवाज़ को बुलंद मत, मत करो तो खादिम कहते हैं कि मैंने उन मुतव जो वो वहाँ के रखवाले होते पुलिस होती उनसे कहा कि वो नजद के थे वो नजदी थे मैंने कहा तुम यार चिल्लाया मत करो यहाँ चिल्लाते हो और तुम यहाँ जो चिल्ला कर हाजियों पर सितम करते हो और इससे तुम रसोल्ला को तकलीफ़ पहुँचाते हो ये अच्छी बात नहीं है तो क्या कहता है सुनिए जुमला कहता है कि तकलीफ पहुँचाने का सिलसिला शुरू किसने किया था पहले नहीं समझे आप शुरू किसने किया था यानी रसूलुल्लाह ने हम नज़दी के लोग हैं ना खबीस नजदी और रसूल ने हमें शैतान का गुरो का और तकलीफ तो रसूल ने पहले पहुंचाई है उसका बदला ले रहे हैं हम अब आइए ये, ये नजद के लोग थे कौन इनका किरदार क्या था ये बुखारी की हदीस से इनको बुखार लाए ये बुखारी है। अभी आपने सुना मशरक़ की तरफ नजद है और सरकार ने फराम वहाँ शैतान का ग्रोह निकलेगा बुखारी शरीफ जिल नंबर दो सफ़ा एक हज़ार फितन। इमाम बुखारी रदी अल्लाह हदीस बयान करते हैं कहते हैं अली उबन अब्दुल्ला हदीस बयान की कहते हैं अली अबन अब्दुल्ला ने काला हदसना अजहर सईद सादिन कहते हैं कि अजहार इब्न साद ने उनसे हदीत बयान की आनी अबन आओन और उन्होंने रिवायत की हज़रत अबन आउन से अन नाफ और उन्होंने हज़रत नाफ़ा से रिवायत किया अन उमर रजी आनीर रज़ील्ल्लम और उन्होंने हज़रत अब्दाबन उमर से रिवायत किया कल अब्दुल्बन उमर कहते जकारन नबी सला बारिकाना फ़ी शामा अल्ला बारिकलाना फ़ी यमा वो कहते हैं जिक्र करते हुए कहते हैं कि अल्लाह की नबी ने एक मरतबा जिक्र किया जिक्र फरमाया और दुआ की और दुआ में ए अल्ला कहा अल्लाह बरकत नाजिल फरमा बरकत शाम में शाम में बरकत नाजिल फरमा मुल्क यमन में बरकत नाजिल फरमा वफी नजद कालू वफी नजदना ये नजडी के भी लोग वहां थे अब देखिए हदीस में तो लफ नजडी आ गया साफ वफी नजदना ल वफ़ी नजना उन्होंने कहा नजद के लोगों ने अल्लाह के नबी नजद के लिए भी दुआ कीजिए काला बारिक अल्ला बारिकलना फी शामा अल्ला बारिकलना फ़ी यमाना फिर आवी कहते कि अल्लाह के रसूल ने फिर दोबारा कहा बरकत नाजिल फरमा ही वफी नजद ना फिर उन्होंने दोबारा कहा नजद के लोगों ने अल्लाह के नबी अल्लाह के रसूल नजद के लिए भी तो दुआ की काला फी सलासित कहते है, रावी कहते हैं हजरत अब्दुलबिन के मैं गुमान करता हूँ मेरा ख्याल है कि शायद जब तीसरी बार उन्होंने कहा वफ़ी नज ना के नबी नज के लिए तीसरी बार कहने के बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया होना का जलाजिलो वल फितानो बिहा यु करन शैतान वो जल्जलों की जगह है वहाँ जलज़ले पैदा होंगे वलफानो वहाँ फितने पैदा होंगे वो फितनों की जगह है फितने होंगे वहाँ वह बिहा यतलु कर और वहां से शैतान का ग्रोहो निकलेगा से निकलेगा नज़द से तो तीन जगहों के यहां नाम आया अब हदीस की तरह एक खासियत देखे आप इमाम बुखारी ने इसको लाया अब बड़ी खास बात सुने आप इस जगह तीन मुल्क, तीन मुल्कों के नाम है मुल्क शाम यमन और नज़द दो के लिए दुआ की जा रही है नज़द के लोग मौजूद है शाम के लोग मौजूद नहीं है वहां यमन के लोग मौजूद नहीं है वहां इस्लाम यमन में भी नहीं पहुंचा रसूल के जमाने में और शाम में भी नहीं पहुंचा नज़द में पहुंच गया था आप इस पर थोड़ा सा तवज्जे दें मैं जो बोलना चाह रहा हूं क्यों मुल्क के शाम फता हुआ हजरत उमर इब्ने ख़त्ताब के जमाने में यमन फता हुआ हजरत उमर इब्ने खत्ताब के जमाने में और दौरे रिसालत है जाहिरी नबी जा हयात में नबी मौजूद मदीने में और दुआ क्या हो रही है मुल्क शाम में बरकत मुल्क यमन में बरकत और नजदीकी लोग बसाहिर ईमान ला चुके ईमान के दावेदार खड़े हैं यार नजदीक के लिए नबी नजदी के लिए दुआ नहीं कर रहे वजह क्या थी नजदीक के लिए दुआ इसलिए नहीं की गई फितनों की जगह थी गैदा नबी ने बताया फितने वहां से निकलेंगे शैतान का गुरोह वहां से निकलेंगा मगर अल्लाह के रसील मुल्क शाम तो अभी इस्लाम में नहीं है आप मुल्क शाम के लिए क्यों दुआ कर रहे हैं तो नबी ने अपने तो के साथ गोया के कब्र अनवर से जवाब दी अरे मेरे गुलाम तूने जाना नहीं जिस वक्त मैंने मुल्क शाम के लिए दुआ की क्योंकि अल्लाह ने मुझे गायब अता किया मुल्क शाम में 40 अबदाल पैदा होने वाले थे सुछान और यमन में ओवैस कर पैदा होने वाला तो जिस जगह अबदाल होते हैं वो जगह बरकतों की जगह होती है जिस जगह इस करनी जैसा बलिए कामिल हो वो जगह बरकतों की जगह होती है और जहां से नजदीक याश निकले वो जगह फितनों की जगह होती है और तुमने किया क्या राजधानी उसको ही बना डाला तवायफ ने क्या किया पारसा बेगम ने राजधानी रियाद को बना डाला मदीना इनको राजधानी नहीं सुझा कूफा बना डालते तो कम से कम अली की सुन्नत तो अदा हो जाती चलो कोफ़ा पे तो इनका कब्ज़ा भी नहीं है अब यहाँ ख़ास बात तो यही मिली तो अल्लाह के तो फितनों की जगह अब आइए मेराज रब्बानी की एक बात सुनाता हूँ आडियो है वो अभी बड़े परेशान हो गए या अल्लाह नज्ड के लिए तो बुखारी में हदीस है यार तिरमी इब्ने माजा में हो तो नम पट से कह देते वही फार्मूला ज़ईफ़ है मगर बुखारी को ज़ईफ़ बोलेंगे तो रफा दिन भी ज़यीफ़ शुरिया अमी ईमान इमाम के पीछे पढ़ना भी ज़ईफ़ बहुत सारे मसले अपने अपनी तो पूरी नैया डूब जाएंगी गैर मुकलदीयत की कुछ ठंडा दौड़ा हो यार तो महराज रब्बानी नकाब उड़ के बैठ गए तो रहमान बैठ गए सब बैठ गौर गए तो महराज मेरे दिमाग में आ गया कहा नहीं साहब नज दिए रियाद नहीं है नज इराक में तकरीर है पूरी भाई सुनाने का वक्त नहीं है मैं छोड़ रहा हूँ जब वीडियो आएंगी सीडी डी आएंगी मैं खुद मिक्स कर दूंगा इसमें वहां से का नज इराक़ है का क्यों वहाँ इमाम हुसैन को शहीद किया गया फितने की जगह हजरत अली को शहीद किया गया इराक़ में फितने की जगह हजरत क्या कहते हैं इमाम अबू हनीफा के साथ कितना बुरा सलूक हुआ मुख्तार सफी जैसा नब्बत का झूठा दावेदार वहाँ से निकला फितने की जगह इराक़ है इराक़ में शहर है जवाब सुन ले चार जवाब बल्कि पाँच जवाब बल्कि एक और बढ़ा लो छः जवाब पहला जवाब नक्शे में मुझे दिखा दो कि इराक में नजद है कहाँक नक्शे में दिखा दो पुराने नक्शे भी मिलते हैं तो पुरानी किसी नक्शे की किताब से दिखा दो कि इराक़ में नजद है कहाँ और वो अचानक रुए ज़मीन से गायब कब हुआ कब गायब हुआ वो एक चीज़ और इमाम हुसैन की शहादत इराक के शहर नजद में नहीं हुई कोफा में हुई एम हजरत अली की शहादत और कोफा का नाम अली के जमाने में भी कोफा था और आज भी कोफा है और कोफा के बारे में हदीस है उमर इब्ने खत्ताब कोफा इस्लाम का है। है। और हजरत अली फरमाते हैं कि मदीने के बाद अगर कहीं हिजरत करना बेहतर और अफसल है तो वो कोफा है जब इमाम अबू हनीफा पर कभी बोलने का मौका आएगा ना तो फिर कोफा की फजीलत सुनाऊंगा मैं इनशाला कितनी फजीलतें आई है कोफा की कोफा तो पहले भी था हजरत इमाम हुसैन की शहादत कहाँ हुई करबला में करबला करबला था आज भी करबला है mm. और जो शहीद करने आए थे नजद के लोग नहीं थे मुल्क शाम के थे यजीद के फौजी और कोफा के गद्दार और बाकी थे इसके भी कोई नज का ताल्लुक नहीं मुख्तार सख्फी भी कोफा से निकला और उसके बाद जितने फितनर फसाद हुए हलाकू का हमला तातारियों का हमला और भी जितने हमले हुए सब बगदाद पे हुए बगदार उस वक्त भी बगदाद था आज भी बगदाद है तो ये नज गया कहाँ गायब कैसे हो गया रुए जमीन से अब एक चीज सुने मुस्लिम के अल्फाज है कर्नु शैतान शैतान का सिंह निकलेगा यहाँ से बुखारी की में भी आया कर्नु शैतान और मुस्लिम में मौजूद है जहां शैतान का सिंह निकलेगा रसुल्ला हजरत आयशा के हुजरे पर खड़े इशारा किधर कर रहे हैं मशरक़ की तरफ और बुखारी में आए हैं नजद के लोग कह रहे हैं रसुल्ला नजद के लिए दुआ कीजिए तो नबी कह रहे हैं वहां भी शैतान का सिंह निकलेगा तो मतलब ये हुआ कि वह इलाका मुतयन हो गया कि नबी ने पहली हदीत में मशरक कहा दूसरी में नजद के लोगों को कहा करनु शैतान शैतान का सिंह निकलेगा तो मालूम हो गया मशरक का वह इलाका नजडी है जिसको अब रियाद है और तीसरी बात अब ये छठी बात छठी तो इतनी खतरनाक बात है कि इनकी छट्टी बुट्टी गुम हो जाएंगी बाब होता है मोहदस का अकीदा मैं बारह बोल चुका हूँ इमाम मुसलिम ने बाब काम कायम क्या किया इमाम हुसैन की शहादत हो चुकी वाकया गुजर गया कब हुआ रसुल्ला के विसाल जाहिरी के साठ साल बाद पचास साल बाद दस हिजरी में सरकार का विसाल इकसठ हिजरी में इमाम हुसैन की शहादत अली रदी अल्लाह तुम उससे पहले शहीद हुए हज़रत अली की शहादत उससे पहले इमामसैन की शहादत उससे पहले इमामनीफ़ा दो सौ साल के करीब अगर उनको भी शामिल कर ले मुख्तार सफ़ी इमाम हुसैन की शहादत के बाद निकला ये सब रसोल्ला के दौर के करीब के लोग हैं खैर कुरून में ये सब हुए तीन कुरून की रसुल्ला ने गारंटी ली उसी दौर में हुए मगर इमाम बुखारी बाप क्या कायम कर रहे हैं किताबलफन व अशराती सात फितनों का बयान और क़्यामत की निशानियों का बयान तो मालूम हुआ कि ये ग्रोह निकलेगा कब शैतान का कयामत के करीब तो हमारा दौर है कयामत के करीब और जिस दौर की तू बात कर रहा है वो दौर है रसूल के करीब फारक समझ में आ गया तो मतलब ये हुआ कि वो नज़द जो है वो इराक का हिस्सा नहीं है जनाब वो नज़द जो है वो ही रियाद है अब नज से नजड को लिप पोत करने की जरूरत क्यों पड़ी इसलिए कि इब्ने तैमिया का मुर्दा खीरा जिंदा करने के लिए 1115 सौ में मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी वहीं पे पैदा हुआ सारा लफड़ा ये है अब इब्ने अब्दुल वहाब पैदा हुए वहाँ तो इससे पहले कि मैं बताऊँ अब्दुल वहाब थे कौन इनका तारु भी जरा हदीस से बताता हूँ सुनिए मिशकात की हदीस है बड़ी मशहूर हदीस है जी नंबर तीन किताबुलफितन हदीस नंबर पाँच हज़ार छः सौ इकतालीस अन अबी सैदिन खुदरी रिवायत है अबी सईद खुदरी रदी अल्लाह तुम से कल वो कहते हैं बमान रसूल सल्ह वसलमत अबू सद खुद्री रदी अल्लाह तहबी रसूल कहते हैं हम रसोल्ला की खिदमत में हाजिर थे साहब कराम वह वाह यमु कस्मा अल्लाह के नबी माले गरीमत तकसीम फरमा रहे जंग में जो माल आया था उसको सरकार तकसीम कर रहा साहब में अत हुए सराती रज़लुन बिन बनी तमीम तभी सरा नाम का एक शख्स आया अब सीरत की किताबों में इसका हुलिया भी आया कि इसकी आंखें धसी हुई थी गाल पिचके हुए थे बड़ा अजीब व गरीब भयानक शक्ल का आदमी था जुल खवैसरा ये आया वह हुआ कहते अताहू तभी अताहू हू जोल तभी सरा तभी अब नामी शख्स आया वह हुआ रजोलम मिन बनी तमीम जो कबीले बनी तमीम का फर्द था किस कबीले से था ये बनी तमीम से अब इसको याद रखे जोल ख़बासरा किस कबीले से है बनी तमीम भूलना मत अब वो आया शख्स क्या कहता है रसुल्ला से सुनो फकाल फकाल या रसोल्ला इदिल बस उसने कहा अल्लाह के नबी इंसाफ से काम लो ये नबी की गुस्ताखी कर रहा है नबी को बगोया कह रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इंसाफ से काम नहीं ले रहे हैं इंसाफ से काम लो बराबर बराबर बांटो ये क्या है किसी को ज्यादा दे रहे हो किसी को कम दे रहे हो फ़काला फमईिलो इजलम आदिल अल्लाह के नबी ने फरमाया आप देखिए जुमले हदील से किया फकाल अल्लाह के नबी ने फरमाया वाह तुझ पर खराबी हो अल्लाह की मार हो मालूम हो गया जो गुस्ताखे रसूल होता है रसूल उस पर खुद लानत भेजता है हम भी तो यही करते हैं गुस्ताखी की, की थी ना तो रभी ने कहा अल्लाह की लानत हो तुझ पर। यदी यदील य, यदीलो इज लम अदिल अगर महीन साफ़ नहीं करूँगा तो फिर इंसाफ कौन करने वाला बचा मही अगर इंसाफ नहीं कर सका तो फिर कौन है जो रुए जमीन पर इंसाफ कर सके बड़ी तवील तबीलत उमर इब्ने खत्ताब ने तलवार निकाली यही ये यह जो है ना सुन्नी बस इन्हीं से सीरत लेते हैं कहा या रसूल अल्लाह इजाजत दीजिए इस गुस्ताख की अभी गर्दन अलग कर देता हूँ उमर रख दो है सुभान और गैब देख रहे हैं निगाह देख रही है अरे उमर इसको कत्ल करके तुम इस पूरे फिरके पे काबू ना पा सकोगे इसके और भी साथी है ये अकेला नहीं है नबी को ये भी पता कौन कौन है इसके मिजाज का शायद ये सब इनकी पोल पट्टी खुलती है इसलिए बोलते रसूल को ग़ैब नहीं था ताकि गैब रसूल का इनकार करो तो अपने बाप दादा महफूज रहे और ग़ैब मान लेंगे तो अपने बाप दादा सब बढ़े नजर आएंगे हदीस की रोशनी में तो इसलिए उसूल बनाया इलम गैब नहीं था रसुल्ला को रसुल्ला ने कहा उमर तलवार रखो इसके और भी साथी है तुम इन पर काबू नहीं पा सकते ये निकलेंगे कीड़े मकोड़ों की तरह अब हदीस के अल्फाज सुने रसुल्ला ने फरमाया उमर कि वो लोग हैं कि इतनी नमाजें पढ़ेंगे इतनी नमाजें पढ़ेंगे इतने रोजे रखोगे कि इनकी नमाजों और रोजों को देखकर तुम अपनी नमाजों को हकीर जानोगे पहचान क्या बताई अल्लाह के नबी ने है फितरत के अतबार से गुस्ताख नबी की तादीम नहीं करेंगे मगर जाहिरी तौर पर निशानी क्या है नमाज बहुत पढ़ेंगे रोजे बहुत करेंगे आइए नमाज की तरफ आइए नमाज की तरफ दिन रात यही इश्क रसूल की बात कभी मुँह से नहीं निकलेंगे नमाज बहुत पढ़ेंगे और उसके बाद फरमाया रोज़े और इतनी पढ़ेंगे कि तुम अपने रोज़े और नमाजों को हकीर जानोगे और उसके बाद फरमाते सरकार कुरान पढ़ेंगे कुरान हलक से नीचे नहीं उतरेगा मतलब कुरान नहीं समझेंगे दीन से ऐसे निकल जाएंगे जैसे तीर शिकार से निकल जाता है यानी तीर कमान से निकल जाता है दीन से ऐसे निकल यह हदीस ने वादे किया कि जुवल खवैसरा जो शख्स था वो बन तमीम का था गुस्ताख था और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जुवल खवैसरा की नस्ल से गुस्ताख इसके साथी जो है जो गुस्ताख है इसके कबीले के लोग बनी तमीम के ये निकलते रहेंगे कयामत में आएंगे नमाजें खूब पढ़ेंगे याद रखें अब आइए एक हदीस देखते हैं हम ये बुखारी की हदीस है बुखारी शरीफ झील नंबर दो सफा छः सौ तीस इमाम बुखारी सनत बयान करते हदस्सना अमर अबन अलीन कला हदसना अब आसिम कला हदसना सफियानो कला हदसना अब वकरा जमी जम अबन शद्दात कला हदस्ना सफ़ान अबन महर्राजमानी कला हदस्ना इमरान अबन हुसैन यह पूरी सनद है इन्होंने इनसे इन्होंने इनसा सा में सहब रसूल हजरत हुसैन और रबी अल्लाह तु से वो रिवायत करते हैं इमाम बुखारी कहते हैं उन्होंने कहा जात बनु तमीमी इला तो कहते अल्लाह के नबी नबीम की तरफ कबीले बनु तमीम के लोग आए कौन लोग आए कबीले बनु तमीम के लोग आए सरकार की तरफ आए और जो खैसरा किस कबीले का था बनी तमीम का याद रखें फ़काल अल्लाह के नबी ने उनसे इरशाद फरमाया अब शेरू या बनी तमीम आए बनी तमीम बशारत कबूल करो दिल से ईमान लाओ दिल से नबी जानो और जन्नत की बशारत कबूल करो कालू उन्होंने कहा मा ऐसा बशर तना फातीना अल्लाह के नबी हमें बशारत नहीं चाहिए माल चाहिए मालत दौलत दीजिए बशारत क्या दे रहे यार यारसोल्ला माइजा हमें नहीं चाहिए बशरतना बिशरतना हमें बशारत नहीं चाहिए फा आतीना हमें तो माल चाहिए माल फा तगैरू फज हो रसूल अल्लाह के रसूल का चेहरा मुतगैयर हो गया चला आ गया गुस्सा आ गया सरकार पर फजा आ मिन मिना यमन सरकार फिर यमन वालों की तरफ मुखातिब हुए कबीले यमन के भी लोग मौजूद थे सरकार ने उनकी तरफ रुख किया फाकाल नबी अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी ने अहले यमन से फरमाया बुशरा इरसाद यमन तुम बशारत कबूल करो इसम बल्हा बनु तमीम हालांकि बनु तमीम ने बशारत लेने से इनकार कर दिया है उन्होंने बशारत नहीं ली तुम बशारत कबूल करो खालून होने का। कद या रसूल अल्लाह हमने कबूल कर लिया उन्होंने कबूल किया और ऐसे करनी उन्हें दे दिया गया तुमने माल दौलत और जमा की तो तुम्हें पेट्रोल दे दिया गया सोना दे दिया गया दौलत दे दी गई अय्याशी तुम लो माल तुम लो सुनियो रसूल तुम ले जाओ सुभान अल्लाह है। फैसला हो चुका है बुखारी की हदीस है बस नहीं पढ़ोगे बुखारी में तो कुछ और भी पढ़ोगे बुखारी की हदीस है ले जाओ माल वहाँ दौलत है अगर वो हक पर ना होते तो दौलत मन क्यों होते नबी ने दे दिया ले दौलत ले चल बनू तमीम तुम दौलत ले लो बनू तमीम की दो क्वालिटी बताई मैंने पहली क्वालिटी बनो तमीम के खबीस ने गुस्ताखी की नबी ने कहा इसकी नसल निकलेंगी क्यामत तक आएंगी दूसरी बशारत को बोलने की आइए अब एक मत किताब देखें किताब का नाम हयात शेख इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब किताब के मुसनब शेख अहमद बिन हजर तहकीक व शेख अब्दुल अजीज बिन बा के मुफ्ती आजम अब्दुलवाब दी की सीरत लिखी बम्बई के गैर मुकलित इदारे ने किताब छापी किताब तुम्हारी तस्सी करने वाला तुम्हारा मौलवी लिखने वाला तुम्हारा मौलवी तुम्हारे मौलवी की तारीफ में लिख रहा है कलम हमारा नहीं किताब हमारी नहीं छापा हमने नहीं अब देखो क्या छापा जाता है हयात इस्लाम अब्दुल वहाब इब्तई हालात नाम शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नज़दी का पूरा नाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब बिन सुलेमान बिन अली बिन मोहम्मद बिन अहमद बिन राशिद तमीमी है तुम्हारी किताब कौन है तमीमी बशारत कबूल नहीं की दौलत ले लो सुननी हो रसूल तुम लो ओवेस करनी तुम लो शाम वो चालीस अब दाल तुम लोहान तुम्हारी किताब कौन है अब्दुल वहाब तमीमी कबीले का है पट्टे का ना सब भी कहां से निकला अब क्या हुआ इन्होंने किताब लिखी अब्दुल वहाब ने बड़ी लंबी तारीख है हेम्फ्रे के इतराफ़ात पढ़ी आप उर्दू इंग्लिश हर जबान में किताब आ चुकी है पढ़ो यार सुनियो कुछ पढ़ने की भी आदत डालो यार कब तक सुनने की आदत बनाए रखोगे पढ़ो मैं आलिम नहीं हूं भाई बारह कहा है मैंने कसम खुदा की मैं आलिम नहीं हूँ मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ लोग फिर भी शुभा करते यार इतनी बड़ी बड़ी तकरीर करते हो क्यों बोलते हो झूठ तुम नहीं अरे मैं वाकई आलिम नहीं हूँ भाई खुदा की कसम आलिम नहीं हूँ मूम आलिमों का खादिम, मैं।, आलिमों का खादिम मैं ये की जूतियों का सदका है ये बुजुर्गों का फैज़ है ये आला हजरत का फैज है अलहमदल ये उलमा का फैज है पढ़ो मैं क्यों आता हूं स्टेजों पर सिर्फ ये जहन देने के लिए कि अगर सुन्नियों में नौजवानों पढ़ने की आदत आ जाए कसम खुदा की ओलमा तो बाद में हम जैसे ही इनके लिए काफी है पढ़ो तो, पढ़ो तो सिर्फ पढ़ो तो सिर्फ तुम इलम तुम्हारे लिए है मेरे दोस्तों अल्लाह के रसूल ने फरमाया क्या फरमाया सरकार ने फरमाया देखो हदीस सुनो गौर से सुनो बड़ी मशहूर है तालाबोल फरीजत अला कुल मुस्लिम वह मुस्लिम ल में दीन का हासिल करना किस पर फर्ज है मुसलमान मर्द औरत और और पर तो जो मुसलमान नहीं है वो हासिल कर रहे हैं और तुम तो मुसलमान हो और हासिल नहीं कर रहे हो मुसलमान तो तुम हो हम कहते हैं आला हजरत ने तेरह सौ किताबें लिखी किसके लिए लिखी है के लिए नहीं बिल्कुल नहीं लिखी माफ करना मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं आपके लिए लिखी है आप पढ़ के अपना कीड़ा संवार है आला हजरत की किताबें पढ़ना इन पर वाजिब नहीं इन पर तोबा फर्ज है किताब पढ़ना फर्ज नहीं है इन पर तोबा फर्ज है इन पर आप पर पढ़ना फर्ज है पढ़ो और मैं नौजवान से कहूँगा एक जहन देना चाहता हूँ दो चीज़ों का फिर पता नहीं बाद में या पुलिस अल मदद का नारा लग जाए और बोले ख़त्म करो तो अब बोल देता हूँ मौका ना मिले दो चीज़ें छोड़ दो खुदा के वास्ते हाथ जोड़ता हूँ आपके सामने आपका भाई हूँ भाई हाथ जोड़ता हूँ पहली चीज जहालत छोड़ दो ये जो तो पैसा तुम फजूल उड़ाते हो ना हर मोहल्ले में एक लाइब्रेरी कायम करो एक लाइब्रेरी किताबें लाओ पढ़ने की आदत दिलाओ और दूसरा ये जो डीजे बजा रहे हो ना तुम डीजे सुन्नियत के नाम पर और सोच रहे हो सुन्नियत को फ़रोग मिल रहा है कसम खुदा की तुम्हारे डीजे से लोग वहां भी हो रहे हैं ये तुम्हारे डीजो की वजह से लोग वहां भी हो रहे हैं हमारा अकीदा इतना साफ खुला हर अकीदे की ताहिद में हमारे आईमा है, है अदीस है कुरान है हर अकीदे की ताहिद में हमारे पास यहां से वहां तक चौदह साल तक सब आलिम हमारे हैं उलमा हमारे अंग्रेजों से पहले कोई गैर मुक़लिद नहीं था चैलेंज करता हूँ बता दे अंग्रेजों से पहले कौन सा गैर आलिम हिंदुस्तान में था दौरे अंग्रेज से पहले अट्ठारह सत्तावन से पहले बताओ कौन सा गैर मुक़लिद मदरसा था कोई मदरसा नहीं था सब पहले सुन्नत हनफी थे सब सुन्नी थे ये तो बाद में आए मगर ये बड़े क्यों सिर्फ तुम्हारी जालस से तुमने ढोल बजाया और उन्हें कहते को यार सुन्नी ढोल बजाते इल्म हासिल नहीं करते ये लोग तो कला रसूलुल्लाह कला रसुल्ल काला रसुल्ला चले गए तो अगर तुम्हारे इन ढोलों के संदल से तुम्हारे इन डीजे से अगर एक बदख़ीरा भी बजनों के एक सुन्नी भी बदअीरा ही एक सुन्नी भी बज़न होकर अगर इनकी जमात में जाता तो इसके जवाब दे तुम हो और जिस बुजुर्ग की खुशनुदी के लिए जिस बुजुर्ग को राजी करने के लिए तुम ये संदल निकाल रहे हो यह तुम डीजे बजा रहे हो कसम खुदा की कयामत के दिन वो बुजुर्ग तुम्हारा दामन पकड़ेगा और कहेगा क्या मैं इसलिए आया था कि तुम मेरे उर्स के नाम पर डीजे बजाए ढोल बजाए और लोगों को सुनियत से छोड़कर वाबियत की तरफ भेज दे इसका जवाब दे तूने क्या किया था मेरे नाम पर जवाब नहीं होगा आपके पास अगर सुनियत डीजे और ढोल का नाम होती हर मोहली के गले में एक ढोल होता हमारे इसीलिए नहीं बजाते हर मौलवी के मदरसे से ढोल निकलता एक संदल निकलता नहीं निकालते क्यों नहीं इसलिए कि हमारा ये मजहब नहीं है हमारा ये तरीका नहीं है हमारी तालीम नहीं है बुजुर्गों की इसलिए अपनी जहालत को छोड़ो तो बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है कि आप के दिलों में मेरी नसीहत को डाल दे और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए चलिए माशाल्लाह नहीं दूसरी चीज है तो अब आइए मैं कहता अब्दुल वहाब नजदीक किस कबीले के थे बनो तमीम याद रख लो शाख कहाँ से चली आ रही है असल कहाँ से है और दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है अब्दुल अब्दुलवाब इतना खबीस था तो बड़ा खबीस होगा अब्दुल अब्दुलवाहाब ने किताब लिखी फितने की बुनियाद रखी गई किताब का नाम है किताब तौहीद इबारतें अब गायब कर दी गई है इबारते निकालना तो दाएं हाथ का काम है इनका पुराने एडिशन मौजूद है जोलमा के पास और जो पहले के रद्द उनके हवाले दिए अब्दुल वाब नजी ने लिखा इबन तैमिया के नजरिए को जिंदा किया और शिद्दत के साथ ने तो सिर्फ इतना कहा था कि रोजे रसूल की जियारत ना की जाए बल्कि नियर मस्जिद की जियारत की हो अब्दुलवाब ने इजाफा किया कहा रोजे रसूल की जियारत करना जायज नहीं बल्कि नबी के रोजे को देखना ऐसा जैसे किसी बड़े बुद्ध को देखना देखना रोजे को देखना कोई फर्क नहीं है उसने वो सारी आयतें जो पुतो और कुफार के बारे में आई थी वो अलिया पर फिट की उसने वक्त नहीं है कि मैं तफसीत में जाऊँ उसका रद उसी के भाई ने किया सबसे पहले उसी के वालिद अब्दुल वहाब ने किया नतीजा ये हुआ कि वो उसी के शहर दरिया के अलमा ने उसको वहाँ से निकाला चल निकलता फाओ यहाँ से शहर बाजार ये भटकते भटकते आया एक डाकू के हत्ते चढ़ गया अब ये बड़ा बदनाम ख़ानदान था एक डाकू ख़ानदान अब्दुल अजीज मोहम्मद बिन आल सऊद ये डाका जनी करते थे इन्होंने इसको पकड़ लिया मुल्ला साहब को अरे मौलवी दिख रहा है क्या बेवकूफ़ हो तलवार के धनी तुम निज़ाबाजी के धनी तुम तीर अंदाजी तुम्हें आती है लड़ना तुम्हें आता है क्या कर रहे हो ये छोटे मोटे डाकों में खुश हो मेरे हाथ पर बैत करो अपना इमाम तस्लिम करो तदबीर मेरी होंगी चाणक क्या मुझे बनाओ दिमाग मेरा होगा ताकत तुम्हारी होंगी और फिर सऊदिया पर तो मैं हुकूमत न दिला लू तो मेरा नाम बदल देना उस वक्त तक उस मुल्क का नाम था हिजाज मुकदस हिजाज नाम था उससे पहले पूरी तारीख देख जाइए आपको सऊदी अरबिया नाम ही नहीं मिलेगा ये डाकों का सपोर्ट लिया और इन्होंने फिर सऊदिया पे हमला किया सबसे पहले कहा कब्जा किया नजद पर ही और नजद के बाद दरैया पर कब्जा हुआ और फिर पूरे हिजाज पर कब्जा हुआ और इस तरह जब ये हिजाज पर ग्यारह में कब्जा हो चुका तो इन्होंने सबसे पहला काम क्या किया माजल्ला जन्नतलबकी कब्रिस्तान को उठा दिया मजारों को उठाया लगाइए रसूल से कितनी दुश्मनी थी कि रसूल के अहले बैज जो मदफून थे उनको भी नहीं छोड़ा सात हजार साहब इक्राम मदफून थे जन्नतलबकी में कितने सात हजार नबी की शहजादी खातून जन्नत फातम नबी के हजरत अब्बास रसोल्ला के दामाद और अशर मुबर हजरतानी हजूर के साथ जा, साथ जादिया, साथ जादिया, सरकार की अजवाज आयशा सिद्दीका हजरत हफ्सा और बड़े बड़े जलील साहब इमाम हसन और यहाँ तक इमाम बाकर इमाम जाफर इमाम मालिक बड़े बड़े आईम थे पूरी कबरों पे बुलडोजर चला के रोन कर चपाट कर दिया अच्छा चलो कबरों से दुश्मनी थी अब आप तजुब करोगे अगर तारीख पड़ोसों की 250 यानी पचास ढाई सौ मस्जिदों को ढा दिया इन लोगों ने अब आप सोच रहे यार ये मस्जिद क्यों उठाया इन्होंने ये मस्जिद तो अल्लाह का घर है ना ये तो बहुत अल्लाह अल्लाह वाले है ये बात बात तो अल्लाह 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 अल्ला। वो मस्जिद को इसलिए ढाया गया और ढाई सौ को चुन चुन कर आपको बड़ा तजुब होगा वो मस्जिदें वो थी कि जहाँ रसुल्ला किसी मकाम पर तश्फ ले गए सरकार ने कायम कियाों ने वहाँ मस्जिद तमीर कर दी ताकि नबी यहाँ बैठे यादगार ताज़ा हो कोई सहाबी का कोई वाक्य वकू में आया अकीदतमंदों ने मस्जिद बना दी थी सरकार में किसी मकाम पे वही उतर आई मस्जिद बना दी इन्होंने कहा ये मस्जिदें जो बनाई गई है ये तबर्रुक की नीयत से बनाई गई है रसुल्ला के तशरी आवरी और तशरीफ रखने की बिना पर बतौर तबर्रुक हासिल करने के लिए बनाई गई है और किसी से तबर्रुक लेना हमारी शरीय में शिर्क है नाजायज है ढा दो ढाई सौ मस्जिद ढा दी गई मैं पूछना चाहता हूं चलिए मान लिया कि वो तबर्रुक की नीयत से बनाई गई थी हालांकि इसका जिक्र तो कुरान में जहां असाब कैफ थे वहां पर भी मस्जिद बनाई गई थी मान लिया कि वो भाई तबर्रुक की नीयत थी अकीरत थी मगर इबादत तो अल्लाह ही की होती थी नवा कोई नबी को तो सजदा नहीं करता था मगर मालूम हो गया कि तुम्हें नबी की हर असमत वाली छिड़ से नफ़रत है अब मोहब्बत किससे है अब ये तारीख़ का नया गोशा आपके हवाले कर रहा हूँ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हजरत उमर तफसीर खासिन उठा के देख ले और भी दिगर तफासिर यारसोल्ला आप मुनाफिकों को मस्जिद से निकालते क्यों नहीं है निकालो इन मुनाफिकों को नहीं आने को ना हमारी मस्जिद में ख़बीस मुनाफिक उमर ाम अगर मैंने इनको निकाल दिया ये अपने आप को मुसलमान कहते मैं जानता हूं ये मुनाफिक है मुझे मालूम है कि किसके दिल में ईमान है किसके दिल में ईमान नहीं है मगर आए उमर अगर मैंने इनको निकाला तो कुफार और मुश्किन कहेंगे कि मोहम्मद अपने मानने वालों को ही मस्जिदों से निकाल रहा है और अपने मानने वालों को ही पाईकाट कर रहा है इंतजार करो जब तक मेरा रब मुझे हुक्म ना दे आयत आय नाजिल हुई सोह तोबा यायो नबी जिहादुल फिल कुफारा वल मुनाफिकुन वغلूज अलैहिम ऐ नबी जंग फरमाइए जिहाद कीजिए काफिरों से और मुनाफिकों से वغلूज अलैहिम और उन पर सख्ती कीजिए ढील मत दीजिए मुनाफिकों को जुमे का दिन है मेमरे रसूल पर सरकार तशरीफ फरमाए और यह आयत करीमा नाजिल होती अल्लाह के नबी मेमरे पर तशरीफ लाए और उसके बाद जैसी आयत नाजिल फरमाया कुम या फुला, फुला ओ खरोज फाइम ना का मुनाफिक जी फुला इब्ने फुला खड़े हो अच्छा जी मुनाफिक खड़े हो निकल यहां से तू मुनाफिक है अनाफिक फला फुला, फुला इब्ने फुला खड़े हो तो मुनाफिक है निकल नाम ले लेकर एक मस्जिद से निकाला अब मस्जिद से निकल गए साहब इन्होंने कहा नबी ने तो हमको मस्जिद से निकाल दिया बाइकाट कर दिया चलो हम अपनी ख़ुद की मस्जिद बनाएंगे इन्होंने एक बड़ी आलिशान मस्जिद तामीर की मस्जिद जब तामीर हो गई तो रसुल्ला के पास आया या रसुल्ला आपने तो हमको अपनी मस्जिद से रोक दिया हम तो अल्लाह की इबादत से नहीं रुक सकते तोहहीद के ठेकेदार हैं हम लोग तो अल्लाह तो के नबी आप हमारी मस्जिद में चलिए नमाज पढ़ लीजिए ताकि आपके नमाज़ पढ़ने से उस मस्जिद में बरक़त आ जाए क्या हो गया हाँ? अरे बैठ जाइए आप प्रोजेक्टर गिर गया वो चलिए उठा लेंगे वो बैठिए आप हाँ? लोग लो मत बोलिए बस चलिए दुरुश्री पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदाना मौलाना मुहम्मदिन आदा दमा फिलिल्लाहि सल्लातम दाई मतलब बिदवाम मलिकिल्लाह सल्लल्लाहु तआला आप हजरात इत्मीनान से अपनी जगहों पर बैठे रहें प्रोग्राम चलता रहेगा इंशाल्लाह अब उसके बाद कहा कि मस्जिद बना लिया रसुल्ला नमाज पढ़ लिया सरकार ने फरमाया कि मैं अभी जिहाद पे जा रहा हूँ उसके बाद देखेंगे सरकार जिहाद पे तशरीफ ले गए और इधर रसुल्ला जिहाद पर गए और इनका आलम क्या है ये जिहाद छोड़कर मस्जिद की तामीर में लगे हुए हैं आप हजरात अफरा तफरी का माहौल ना बनाएं अपनी जगह में बैठे हैं कुछ पुलिस वाले आए बात कर रहे हैं इंतजामिया वहाँ पर मौजूद है इंतजामिया बात कर रही है और कोई भी साहब पीछे जाने की कोशिश ना करें आप खुद जिम्मेदार हैं अपनी जगह बैठे हैं वहाँ पे लोग हैं बात करने वाले कतई उठने की कोई ज़रूरत नहीं है बस पाँच मिनट में इन शे प्रोग्राम खत्म होने वाला है आखिर में एक हसीन मंजर कबूल इस्लाम का आपकी निगाहों के सामने होगा फिर दुबा सलाम चलिए सुने अब सरकार कहते मैं जिहाद पर तश्य ले जा रहा हूँ उसके बाद जब मैं आऊँगा देखूंगा ये मस्जिद बनाने में लग रहा है सरकार जिहाद से लौटे और जब अल्लाह के नबी जिहाद से तशिब ला चुके थे तो फिर आए आ यार रसुल्ला आपने वादा किया था कि हमारी मस्जिद में नमाज़ पढ़ेंगे तो अल्लाह के नबी ने इर्शात फरमाया कह लोगों ठहरो जब तक मेरे रब का हुक्म ना आए मैं कोई काम करता नहीं अल्लाह ताला ने क़ुरान की आयत नाजिल फरमाई क्या महबूब आपके लिए वो मस्जिद बेहतर है जो पहले ही रोज़ से जिसकी बुनियाद तकवा और परहेजगारी पर रखी गई है चले ख़त्म किए जाने दीजिए सलाम पढ़िए पीछे की, की जो पब्लिक है वो बराए मेहरबानी अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाए किसी किस्म का कोई मसला नहीं है आप बिलाज अफरा तफरी का माहौल ना बनाएं और सामने वाले जो हजरात हैं वो भी बर मेहरबानी अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाए और बड़ा ही बेहतरीन प्रोग्राम कुरानो हदीस की रो अरे भाई तकरीर सुनना है या नहीं ऐसा लग रहा है आप सुनना नहीं चाहते नहीं सुनना है तो बोल दीजिए मैं सब बोल देता सलाम पढ़िए फिर सुनना है ना तो अगर तकरीर सुनना है तो ऐसे सुनेंगे आप खड़े होके चिल्ला के, के। बैठ जाइए जो उधर गुफ्तगुआ इंतजामिया कर रहे वो अपना काम देखिये आप तकरीर सुनने आए हैं तो तकरीर सुनिए फिर चलिए दुरुशरी पढ़े आप सैलाना महमदिन आदम आफ़ी सल्दा मतम बिदवा मलिकल तबारक वम तो अल्लाह के नबी सल वसम के पास वो मुनाफिक आते हैं और कहते हैं कि मोहम्मद सल्लम आप हमारी मस्जिद में नमाज़ पढ़ दीजिए ताकि तब्रुक हासिल हो तो अल्लाह के नबी सल वसम पर वही का नजूल होता है शुरह तौबा की आयतें हैं दसवें पारे में अल्लाह फरमाता है महबूब उसी मस्जिद में आप क्याम कीजिए जिसकी बुनियाद पहले ही रोज़ से तकवे पर रखी गई है अब यहाँ मुफसरिन कहते हैं या तो मस्जिद नबी से मुराद है या मस्जिद मुराद है और फिर अल्लाह इरशाद फरमाता है महबूब उस मस्जिद में आप कभी खड़े ना होना कि जिस मस्जिद में पहले ही रोज़ से जो इसकी बुनियाद फ़ितने और फसाद पर रखी गई है और मुनाफिकों ने उस मस्जिद का नाम रखा था मस्जिद ज़रात जब यह आयत अल्लाह के नबी बड़े गजबनाक हुए फरमाया कौन है जो उस मस्जिद को ढा दे कौन है जो उस मस्जिद को तोड़ दे और तबाह कर दे इसलिए कि मेरे रब ने फरमाया कि इस मस्जिद की बुनियाद फितना और फसाद पर रखी गई चुनानचे साहबा इक्राम गए और उस मस्जिद को तोड़ फोड़ कर दिया अल्लाह के नबी गए फरमाया इस मस्जिद में आग लगा दो उसके खंडरात में आग लगा दी गई जिस जगह मस्जिद सरार बनाई थी मुनाफिकों ने जिस जगह उस जगह को कुरान ने कहा यह फितने की जगह है पहले ही रोज से जहां मस्जिद बनाई गई इसकी बुनियाद फितनों की जगह पर रखी गई अल्लाह ने फरमाया फितने की जगह अब वहां किसी हुकूमत में कभी किसी ने कुछ नहीं तामीर किया हुकूमत आती रही बोर्ड लगाया गया लोग आते इबरत हासिल करते कि ये वो जगह है जो फितने की जगह है जहाँ मुनाफिक मस्जिद जरार बनाई थी जिसको रसोल्ला ने ढा दिया था चौदह सौ साल का अरसा गुज़र गया वो जगह वैसे ही रही किसी ने कोई तमीरत नहीं की वो जगह खाली रही फितने की जगह डिक्लेयर होते रही मगर आले सऊद को क्या सूझी कि इन्होंने वहाँ एक बड़ी आलिशान मस्जिद तामीर की और मस्जिद का नाम रखा मस्जिद नूर बड़ी आलीशान मस्जिद है बेचारे हमारे चंद नावा, वाकिफ जिनको मालूम नहीं हमारे सुन्नी हाजिजा की भी नमाज पढ़ाते हैं क्या समझ में आया मिजाज कि जो मुकद्दस मकाम है जो मुकद्दस जगहें हैं जन्नतबकी मुकदस है जन्नत अल्लाह के रसूल नेरशाद फरमाया जन्नतुल बकी का नाम जन्नतुल बकी क्या है जन्नतुल बकी के मायने क्या है जन्नत के मायने जन्नत और बकी इसलिए कहते हैं एक बर जो है दरख्त होता है मदीने में गरकत गरकत यानी वो जगह जहाँ गरकत के दरख्त उसको कहा जाता है बकी खित्ते को कहते हैं यानि जन्नत का टुकड़ा जन्नत का ख़त् जन्नत का हिस्सा और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो बकी में ईमान की हालत में दफन हो गया कयामत के दिन अल्लाह ताला हिसाब लेगा ना, ना किताब उसको जन्नत में डाल यह ये बकी का मकाम है तो जहां नबी का ख़ानदान था उसको ढाया और जहां नबी ने जिस चीज़ को ढाया था वहां इन्होंने बनाया बनाया तो अंदाज़ा लगाइए कि जहनीत क्या है और जहनीत का यह हाल है कि ये सब ढाने और उसके बाद ये फ़क्र भी किस तरह करते हुए नज़र आ रहे हैं आइए ज़रा देखें इसको उर्सा और अगर इस्लामी हो और के हाथ में हुत आ जाए तो यह धरती कभी भी इन कबरों के साथ नहीं रह सकती इस धरती को पाक कर दिया जाता है अल्लाह रहमत करे मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब अब्दुलवाहा पर जिन्होंने की आवाज़ें को इस पाक सरजमीन सऊदी अरब से बुलंद किया मोहम्मद बिन सऊद से अल्लाह राजी हो उन्होंने इमाम मोहम्मद का साथ दिया और यह धरती जहां पर दरबार शाह शाह फसूडी एतशाह शा, वाली सरकार के नीचे जहां ज़ैद बिन खत्ताब का कुब्बा था कुछ खुदीजा के दरबार थे जहां सहाबा की कब्रें थी इन सारे दरबारों से इस धरती को पाक करके यहां एक अल्लाह के घर को छोड़ा गया और ऐलान किया गया लोगों पेशानी झुक सकती है तो अरश वाले के सामने और बंदे की पेशानी बंदे के सामने नहीं झुका करती देखिए तौसेब रहमान क्या बोल रहा है कि अब्दुल वाहाब नज्दी और फिर उसके बाद आले सऊद ने जन्नतुल तो बकी को उठा दिया और ऐलान किया कि ये पेशानी झुक सकती है तो अर्श वाले के सामने यानी माशा अल्लाह जाहिर ये दे रहा है कि जन्नतुल तो बकी पे लोग आकर कबरों पे सजदा करते थे कब्रों पे नमाज पढ़ते थे माशा अल्लाह ऐसा नहीं होता था और दूसरी गुस्ताखी ये कर रहा है वो कहता है कि यहाँ जैद बिन ख़ताब का कुब्बा था खतीजा के दरबार थे साहबा की कब्रें थी इनको अब्दुलवाब नदी ने ढाकर मिटा कर इस जगह को पाक कर दिया है माज़ल्ला मतलब ये हमारे बुजुर्गान दीन हमारे साहबा कराम साहबियात थे तो ये जगह नापाक थी अब उसके बाद आइए इनको सुने कि जहां भी कोई मूर्ति नजर आए उसको उसको खत्म कर दो वाला कबर मुश्रीफा और जहां कहीं भी ऊंची पुख्ता कबर नजर आए उसे कर दो ये नबियों का काम है ये सहाबा का काम है मुसलमानों उठो और इन बने हुए दरगाहियों को और इन बने हुए कबरों को इनको बमलास्ट कर दो इनको उड़ा दो इस दुनिया से नीचो नाबूद हो जाए ताकि सिर्फ अल्लाह शरीफ की मस्जिदें इस दुनिया के ऊपर रहें जो अल्लाह का घर है ये शैतानों का घर है जहां मंदिरों से भी पत्थर हैं तुम जहाद की बात हमें हमें यहीं पे गुस्सा आता है जब लोग जहाद की बात करते हैं जहाद करेंगे जहाद करेंगे जहाद करेंगे अब पहले अपनी मंदिरों को तोड़ पहले इन मंदिरों को तोड़ फिर हिंदुओं के मंदिरें खुद बखुद जो है तुम्हारे नारों से खत्म हो जाएंगी और हिंदू बेचारा मुसलमान हो जाएगा इसलिए मुसलमानों उठो और नौजवानों खास तौर से ये मेरी नसीहत है और जहां कहीं भी मेरी आवाज जाए दुनिया से इन सारे मदारों को पस्त कर दो और इन बुजुर्गों की सीनों के ऊपर इन तालीमो ने जो इनकी हड्डियां बेच खाने के लिए खाना बनाए हैं अगर ये आ इनको खत्म कर दो दो दुनिया मिटा मिट जाएगा खत्म हो जाएगा खबरों को उठा दो बम से उड़ा दो बताइए आतंकवादी कौन है बस एक जुमला आपसे पूछा मैं नहीं कह रहा हूं सवाल है मेरा कह रहा है कि बम से दरगाहों को उड़ा दो और जो इस दरगाहों के बचाने में आड़े आए उनको भी उड़ा दो तो आतंकवादी की बात कौन कर रहा है और जब सामने आने आते हम तो अमन पसंद है मक्कार गिरगुट की तरह रंग बदलते हो और दलील क्या दी है रसूलुल्लाह ने हजरत अली से कहा जाओ जो को कब्र पुख्ता नजर आए इसको ढा दो जो बुद्ध नजर आए इसको ढा दो मेरा पहला सवाल गैर मुकलिदों में हौसला हो तो जवाब दो अगर अल्लाह के नबी ने कहा कब्र ढा दो तो वो कौन से मुसलमानों की कब्र थे जो रसूल के जमाने में गैर शर्य बन गई थी वो कौन सी कब्र थी भाई मुसलमान कहाँ से शुरू होंगे रसूल पर जो ईमान ला रहा है अब जो रसूल के ऊपर ईमान लाया मुस्लिम साहबी इंतकाल हुआ नबी की मौजूदगी में क्योंकि नबी हुक्म दे रहे हैं कि कब्र को ढाओ अहली जाओ कब्र को ढाओ तो मजार वो कब्र अली के सामने रसूल के सामने बनी तो जब रसूल के सामने बनी तो खिलाफ शरा क्यों बनी तो इसका मतलब वो सहाबा की कब्रें नहीं थी वो किसकी कब्रें थी वो मुशरकिन मुशरिकान मक्का की कब्र थी अल्लाह के नबी ने नहीं चाहा कि कोई शर का निशान बाकी रहे तो दो जुमले साथ में हदीस के फरमाया कब्रों को भी ढा दो और बुतों को भी ढा दो सिर को खत्म करो और दूसरी दूसरी बात मैं कहता हूं चलो अब अली ने तो उठा दिया था अब तुम कह रहे हो चलो वो साहबा की कब्रें थी मान लिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए अली गए साहबा से कहा सा, कब्र उठा दी साहबा की चलो जब ढा दी तो फिर अली के ढाने के बाद किस जमाने में दोबारा फिर बनी वो कौन लोग थे जिन्होंने फिर दोबारा बनाया जिसको ढाने के लिए अब्दुल वहाब नजदीक और नजदीक से पैदा होना पड़ा वो कौन सा ज़माना था जब ये दोबारा कब्रें बनी वो साबित करो तो चौदह सौ साल से किसी आलिम को नहीं समझ में आया ये इनको समझ में आ गया और एक ख़ास बात मैं बताना चाह रहा हूं क्या चौदह सौ साल की तारीख में किसी ने फतवा दिया है किसी आलिम ने कि कब्रों को ढाया जाए चौदह साल की तारीख़ में किसी आलिम का नाम बताओ अब आइए इससे पहले कि मैं एक सवाल करूं पहले इन्हीं का सवाल करो ये वहाबी ये सवाल बहुत दोहराते हैं सुन लीजिए अल्लाह रहमत फरमाए इमाम अब्दुल अजीज आले सौद रहमतुल्लाह अलैह पर जिसने यहां पर बने हुए दरगाह दरबारों और दरगाहों को तोड़ा बकी कब्रिस्तान में बनी हुई सहाबा की कब्रों पे बने हुए कुब्बों को गिराया और जब इंडिया पाकिस्तान के मौलवियों ने दरखास्तें लिखी तो उन्होंने जवाब में सिर्फ ये कहा था एक हदीस अल्लाह के नबी की ला कर दे दो एक हदीस अल्लाह के नबी की तुमने तुर्कियों ने मट्टी घारे की बनाई थी इमाम अब्दुल अजीज सऊद ने कहा मैं सोने की सऊद ने कहा कि एक हदीस ला के दिखाओ रसुल्ला ने कहा कब्र को आप पुख्ता बनाओ तुर्कियों ने मिट्टी और गाड़ी की बनाई खुद ही समझ रहा बोल क्या रहा है तुर्कियों ने जो बनाई थी वो मिट्टी की थी जब वो मिट्टी की थी तो फिर उसको ढाने की जरूरत क्या थी जब वो पुख्ता ही नहीं थी मिट्टी की थी तो फिर ढाया क्यों गया तो मतलब बुक्स में ढाया गया और दूसरी चीज तुम कहते हो कि एक हदीस लाओ जिसमें रसूल ने कहा हो कि कब्रों को जो है बनाया जाए पुख्ता रखा जाए मैं तुमसे पूछता हूं दलील तुमने दी हदीस तुमने कोट किया हदीस तुम बयान करते हो कि रसूल ने अली को कहा जाओ कब्रों को ढा दो मैंने बारह चैलेंज किया और यहां भी चैलेंज कर रहा हूं गैर मकली सुन रहे होंगे अगर अपने बाप की हलाली औलाद हो तो साबित करो वो कौन सी कब्रें थी की जिसको अली ने ढाया है वो, वो साहबी का नाम बताओ नारे तकबीर नारे रिसालत मसल के आला हजरत नारे तकबीर नारे, नारे रिसाल सहाबिक है वो कौन से साहब है जिनकी कब्रों को अली ने ढाया हुआ साहब के नाम बताओ आज तक बताने के लिए तैयार नहीं अरे जब साहबा की कब्रें गैर शराय बन गई और अली ने ढा दिया तो जब इतना अजीम वाकया तारीख़ इस्लाम का और तारीख़ इस्लाम में यही नाम नहीं मालूम कि कब्रें किन की गैर शर् बनी थी और अली ने किन के नाम किन किन बुजुर्गों को की ढाई थी तो इसका मतलब वो ढाई किसी और की गई थी तुम झूठ बोल रहे हो क्यों कबरों को बनाना कबरों को बरकरार रखना यह सहाबा का तरीका था आइए इसके लिए मैं बुखारी शरीफ पेश कर रहा हूं ये सही बुखारी जिल नंबर एक और जनाइस अब इसका बाप सुनो ज़रा बाप कितना प्यारा है इमाम बुखारी बहुत बड़े बरेलवी है बड़े कत्तर बरेलवी थे इमाम बुखारी इमाम बुखारी बाप क्या कायम कर रहे माज फी कबरिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आबी बकरी व अमारा याने रसुल्ला की कब्र की तरफ जाना सरकार की कब्र की तरफ जाना अबू बकर और उमर की कब्र पर जाना मतलब यह हुआ कि हम बुखारी अखीदा दे रहे कब्र रसूल पर कब्र उमर पर कब्र अबू बकर पर जाना यह मुसलमानों का तरीका है यह मुसलमानों का तरीका है अब चलिए इंशाला फिर कभी मौका मिला बहरली हदीस मुकम्मल कर लेता हूँ हद दसना मोहम्मद वो हदीस बयान की माम बुखारी कहते हैं मोहम्मद ने काला अखबर ना अब्दुल्ला ही उन्हें ख़बर दी अब्दुल्ला ने काला अखबर न अबू बिन याशिन कहते हैं हमें ख़बर दी अबू बकर बिन याश ने अन तमार और उन्हें सुफ... और उन्हें ख़बर दी सुफियान तमार खजूर बेचने वाले ने अन नहू हद दसऊ वो हदीस बयान करते हुए कहते हैं अन नहू राबर नबी वसल्लम मुसनमा कहते हैं कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को देखा सरकार की कब्र को देखा सरकार की कब्र ऊट के कोहान की तरह थी कोहान नुमा थी जैसे ऊँट का होता है ना तो इसका मतलब यह है कि बुखारी की हदीस बता रही है कि की कब्र जो सिबा ने बनाई थी वो उठ के कोहान नुमा बनाई थी कब्रों को बरकरार रखना कब्रों को रखना ये सहाबा का तरीक़ा था अल्लाह ताला समझ की तोफ़ी कता फरमाएँ और मेरी गुजारिश है आप लोगों से अमन अमान सुकून से अपने अपने घरों को जाएं किसी पे ट्ट ना करें किसी को ना करें मकसद आपको समझाना है किसी को छेड़ना मकसद नहीं है इसलिए कि हम अमन पसंद लोग हैं गरीब नवाज़ के हम मानने वाले हैं बुज़ुर्गों के हम मानने वाले हैं और हमारे बुजुर्ग हमारे जो है रहबर वो अमन को पसंद करते हैं अल्लाह ताली तोहफी कता फ़रमाए वह मारे बलागुल मुबीन